वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? इस वक्त रोड पे हर तरफ है गहमा गहमी छाई हुई, क्योंकि ईद में रह गए सिर्फ दो तीन दिन रह गए। हाँ ना, हम मतलब सैटरडे को ईद होगी इंशाल्लाह। आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और बस 3 दिन रह गए हैं। और हर तरफ मुझे बकरा मंडी नज़र आ रही है। बारिश की वजह से बड़ा ब्लंडर भी हो गया हमारे शहर में। अब नाले बह गए, बहुत सारे कचरे रोड्स पे नज़र आ रहे हैं। मतलब एक गहमा गहमी का माहौल है। समझ नहीं आ रहा कि ये कोरोना वायरस चल रहा है कि ख़त्म हो गया है, क्योंकि इतनी रौनक मुझे हर तरफ रोड्स की नज़र आ रही है कि मैं हैरान हो रही हूँ। अच्छा, और मास्क मुझे बड़े कम नज़र आ रहे हैं। तो खुदा के लिए वो वक्त जो ईद उल फितर पर जो आया था वो ना दोबारा लाइए, खुदा के लिए। मतलब कि ये ईद बार बार यही कहा जा रहा है, हम आपको यही मैसेजेस दे रहे हैं कि ये ईद जो है इसमें दूर रहें, डिस्टेंस रखें लोग एक दूसरे से, और बहुत ज़्यादा मिलना जुलना नहीं करें, क्योंकि पिछली ईद पर हम भुगत चुके हैं। जो हमारा नंबर हो गया था कोरोना वायरस स्प्रेड होने का, वो दोबारा नहीं हो। वैसे एक बात है, हमारे यहाँ लोग जो हैं कोई भी चीज़, कोई भी त्यौहार आने वाला होता है तो उसको बहुत ही बखूबी मनाते हैं। चाहे आपके घर में शादी होने वाली हो, चाहे आपके घर में सालगिरह होने वाली हो, हमारे लोग एक दूसरे से ऐसे मशवरा करते हैं। सब पूरा ख़ानदान बैठ जाता है, फिर डिसाइड होता है अच्छा जी मेहंदी होगी तो ऐसे होगी, उसमें ये खाना रखा जाएगा, और यहाँ वेन्यू होगा, अकीका होगा तो ऐसे होगा, इस तरह उसको करना होगा। एनिवर्सरी होगी तो भाई पहले एनिवर्सरी तो बड़ी धूमधाम से मनेगी और बिल्कुल दुल्हन की तरह सजूंगी। मैं मियाँ को भी वही जोड़ा पहनाऊंगी जो उसने अपने वलीमे पे पहना था, ताकि लोगों को पता चले ना भाई मैं जेवर अपना सोने का सारा पहन के बैठ जाऊंगी दुल्हन की तरह, ताकि लोगों को ये पता चले कि मुझे मेरे मियाँ ने कितना खुश रखा हुआ है। तो फेस्टिविटी जो होती है हमारे यहाँ, उसको वाकई दिल से सेलिब्रेट किया जाता है। मुझे अच्छे से याद है, अगर मैं बात करूं मेरी माइयों मेहंदी की, तो मेरी घर वाले इतने एक्साइटेड थे कि उन्होंने 6 महीने पहले से ढोलकियाँ शुरू कर दी थी, और मुख्तलिफ ढोलकियाँ रखी जाती थी अलग अलग वो जो होते हैं ना थीम्स, उनके साथ। पहले तो इतना नहीं होता था, लेकिन अब ढोलकियाँ भी होती है कि कोई थीम रखी हुई है, कवाली नाइट है तो फिर कोई और थीम है। किसी खाला ने ढोलकी सेलिब्रेट करने के लिए अपने घर में ढोलकी रखी है, किसी मामू ने, किसी चाचा ने। ये चीज़ें हमारे साथ, हमारे कल्चर में हैं कि एक दूसरे की दावतें पहले शादी से पहले ही रख दी गई हैं। फिर उसके बाद शादी होती है, उसकी अलग अलग दावतें होती, शादी के बाद की अलग दावतें होती ना। किसी रेस्टोरेंट में दावत रख दी, पूरे ख़ानदान को बुला लिया। फिर उसके बाद शादी के बाद सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? बच्चे की पैदाइश। बच्चे की पैदाइश के बाद कुछ घरों में छठी सेलिब्रेट की जाती है, हमारे घर में होती है। उसमें अम्मा के हिसाब से, जी अम्मा के साइज़ के हिसाब से पहले से कपड़े तैयार करके रख लिए जाते हैं बच्चों के लिए, क्यूट। हालांकि उस वक्त इतना छोटा बच्चा होता है, कुछ नहीं समझ आ रहा होता वो क्या पहन रहा है, मगर फिर भी माँ बाप बड़े क्यूट जूते, बूटीज जिसे कहते हैं, और छोटे से रैम्पर्स, इस तरह के मज़े की चीज़ें जो है वो ऐसे जमा करके रखते हैं कि छठी सेलिब्रेट की जाए। फ़रीद और सिला के जब पैदा हुए थे तो उस ज़माने में मेरी छठी जो है वो मेरी सास ही पूरा भाग दौड़ करती थी, लेकिन बलाज की दफ़ा ना यासिर बड़ा एक्टिव रहा भाई, उसने सारी तैयारी की हुई थी बलाज की छठी की, और ये सेलिब्रेशन होती है। फिर आती है बच्चों की बर्थडेज़। मतलब आप अपनी बर्थडेज़ वगैरह सब भूल जाते हैं जब बच्चे हो जाते हैं, तो बच्चों की बर्थडेज़ बस दिमाग में रह जाती है। और मुझे अच्छे से याद है कि लाइक जब सिला फरीद छोटे थे तो उनकी बर्थडेज़ के जो गुडी बैग्स हैं वो तक मैं खुद बनाया करती थी। बहुत सारी यादें मेरे पास जमा हुई हुई हैं उनकी, और इसी तरह बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ भी अपनी यादें जमा करके यहाँ अपने बच्चों के साथ आई हैं। हम आपको आज के प्रोग्राम में कुछ बर्थडे थीम्स दिखाएंगे। छोटे होते हैं ना बच्चे, तो माँ बाप को, जब बच्चों को डेट नहीं उनकी पता होती बर्थडे की, तो माँ बाप उनकी बर्थडे सेलिब्रेट कर कर के उनको याद दिला देते। फिर वो जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं, फिर तो वो माँ बाप के दिमाग में ड्रिल कर देते हैं मेरी बर्थडे आने वाली है, कितने लोगों को बुला सकती हूँ या सकता हूँ, कहाँ कर सकते हैं, क्या थीम रखेंगे। ये बच्चों को खुद अब इतना शौक़ हो गया ना बर्थडेज़ का। तो पहले मुझे शौक़ था, मैंने सेलिब्रेट की अपने बच्चों की, और अब जब वो बड़े हो गए था, वो खुद अपने डिसाइड करते हैं कि नहीं हमें ऐसे करना है, हमने ऐसे करना है, हमने ऐसे। आज हम आपको मुख्तलिफ थीम्स दिखाएंगे। इतना क्यूट शो होगा आज का जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। आप ज़रा गौर से देखिए, ये थीम क्यूट सी डक है, डक का थीम है। आप ये वो जो बच्चे जिनको डार्क्स और ये सब चीज़ें अट्रैक्ट करती है, जिनको कार्टून्स के बारे में अवेयरनेस नहीं होती है, उनके लिए ये एक ऐसा थीम है जो आप लड़का लड़की दोनों के लिए कर सकते हैं ना, यूनिसेक्स है। और इतना कलरफुल है, इतना प्यारा है, पिक्चर्स आपकी इतनी अच्छी आएंगी। अब हमारे लिए क्या है चीज़ अहम, वो पिक्चर्स। भले बर्थडे पार्टी ज़्यादा लोगों के साथ सेलिब्रेट ना की जाए, मगर ये पिक्चर्स आपकी यादगार होती हैं। और ये कलर्स जो हैं, ये बेबी कलर्स हैं, बच्चों के कलर्स हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत प्यारा थीम है। ये किसने सजाया है, कौन है, इसके पीछे हम आपको सब बताएंगे। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं बताती चलूँ कि सिर्फ 5 रुपए की मदद से आप शामिल हो सकते हैं 100 रुपए के मिली गोल्ड परचेज प्लान में, जिसकी कुरानदाजी मैं हर फ्राइडे करती हूँ। और आप जीतते हैं 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी का पीस। तो ये भी इस फ्राइडे को भी यही होने वाला है, तो तैयार रहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे हम। मुख्तलिफ बच्चे, बड़े दिनों बाद हमने बच्चों को अपने शो पे बुलाया है यहाँ, SOPs को मद्देनज़र रखते हुए। बच्चों से उनकी यादें शेयर करेंगे, यानी कि माओं से पूछेंगे उनकी बर्थडेज की यादें, और इस तरह मज़ेदार शो आपके सामने लेकर आएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इतनी खूबसूरत थीम हमने बर्थडे की रखी हुई है। इस वक्त थीम जो है वो है रबर डक थीम। और ये आज मैं आपको शो इसलिए करके दिखा रही हूँ क्योंकि देखिए, इस वक्त तो आप बर्थडेज में बच्चों को इकट्ठा नहीं कर सकते, मगर बच्चे यही चीज़ें देखकर खुश हो सकते हैं। और ये पिक्चर्स जो आप अपनी इमीडिएट फैमिली के साथ खिंचवाएंगे इस तरह की थीमेटिक बर्थडेज पर, तो आप की ये यादगार रहेगी कि कोरोना में आपने अपने बच्चों की सालगिरह मनाई थी। अच्छा, कोरोना के बाद इंशाल्लाह जब आप अपने बच्चों की बर्थडेज मनाएंगे तो आपको एक आइडिया भी मिलेगा कि हम ये थीम रख सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे इवेंट प्लानर्स हैं, जैसे अभी जो ये बर्थडे थीम आप देख रहे हैं रबर डक की, ये पूरी जो ऑर्गेनाइज़ की है ना, ये की है अस्मा असद ने, जो लाइट्स एंड स्पार्कल्स इवेंट प्लानर हैं। और उजाला जो हैं, उन्होंने उनकी तरफ से सारी केक बाइट्स हैं, मतलब लाइक जितनी भी केक की चीज़ें, उनका नाम भी मैं आपको अभी क्लियर बताती हूँ, उनसे मिलवाती भी हूँ। तो ये बहुत क्रिएटिव चीज़ें हैं जो हम आपको आज दिखाने वाले हैं। आज इस सेगमेंट के लिए मैं बुला रही हूँ अपनी दोस्त को, एक सेलिब्रिटी गेस्ट को, जो अपनी बेटी की यादें अपनी हमसे शेयर करेंगे, उनकी बर्थडे की यादें कि किस तरह उन्होंने अपनी बेटी की बर्थडे सेलिब्रेट की और किस किस जगह जाके सेलिब्रेट की, क्या क्या थीम्स रखे। हर तरह, हर घराने का अपना एक अलग सोच होती है, अपनी एक अलग रिवायत होती है, अलग अलग चीज़ें उनके घर में बनाई जाती हैं। तो मज़ा आता है ऐसे दोस्त एक दूसरे से अपनी जब बातें शेयर करती। तो मैं वेलकम करती हूँ किरण नाज को, उनकी बहुत ही क्यूट सी, प्यारी सी, मेरी फेवरेट आयशा के साथ। ओह माय गॉड, लुक एट हर क्यूटी पाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है? यहाँ से अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आयशा आपसे बहुत नाराज है। प्यार नहीं कर सकती हो। आयशा आपसे बहुत ज्यादा नाराज है। क्यों नाराज है? 2 दिन से आयशा नाराज घूम रही है घर में, मुंह बनाए बनाए घूम रही हैं। खुद बताएंगी क्यों नाराज है? बताइए आयशा, क्यों नाराज है? मैंने क्या किया है? भूल गई। भूल गई आयशा। हाँ। इसलिए नाराज थी क्योंकि लास्ट टाइम कोरोना की वजह से। हाँ। और मैं लास्ट टाइम शो में आई थी तो इन्होंने देख लिया था। हाँ। और फिर ये बहुत नाराज हो गई, निदा खाला ने मुझे नहीं बुलाया, आपको बुलाया और अकेले। फिर जब मैंने इनको बताया कि बुलाया तो अब मेरी याद क्यों आ गई निदा खाला को। हाँ, आपकी याद तो मुझे रोज आती है आयशा, हमेशा आती है। आज मैंने हिम्मत करके, बड़ा ख्याल करके कि बच्चों को हम बड़े संभाल के दूर दूर से हम बुला लेंगे, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था ना आपसे मिलने का आयशा। अब कोरोना हमें मिलने ही नहीं दे रहा था। अब बात तो देखी जा रही, मुझे तो देख ही नहीं रही। आके ना मॉनिटर है सामने, वहीं पे नजर टिकटिकी बांध के। कैसी लग रही है आप आयशा? आप देखना चाहती हैं अपने आप को? मैं आपको पूरा मौका दे देती हूँ। सही लग रही है आप? हाँ। जरा ऐसे घूम घाम के देख लें। अच्छा, आपको देखते हो। लो, मेकअप सही किया है, बाल सही बनाए? हाँ, पसंद आ रहा है आपको? अच्छा लगा? ओह सैटिस्फाइड है आज ये? आज तो किसी से झगड़ा नहीं हुआ मेकअप रूम में, सबने बहुत अच्छी तरह आपको टैकल किया। अच्छा आप ये देख रही हैं डक थीम, आपको डक अच्छी लगती है? रबर डक? हाँ कैसे बोलती है डक? क्वैक क्वैक। थोड़ा जोर से बताएं ना। जोर से बताओ, मुझे आवाज भी नहीं आई। लेकिन माइक लगा रखा है। ओहो अच्छा तो मुझे ये बताएंगे आयशा कि आपकी जब बर्थडे आने वाली होती है आपको वो डेट पता है कि कब होती है आपकी बर्थडे? 20 मई को जेमिनाई है आप? ओ माय गॉड। टॉरियन? अच्छा टॉरियन है, टॉरस। हाँ ठीक है, जेमिनाई 21 से शुरू होता है। तो मुझे बता आयशा आप अपनी मम्मा के पीछे पड़ जाती हो मुझे बर्थडे पार्टी करनी है, मुझे बर्थडे पार्टी करनी है, मुझे गिफ्ट चाहिए कि नहीं? हाँ हाँ। अभी आपने क्या बर्थडे में क्या किया था बताओ? अब हाँ ये तो बताओ, अभी कोरोना था तो बर्थडे कैसे सेलिब्रेट की? मैंने नहीं की, बस थोड़ी बहुत हो गई। थोड़ी बहुत? पिक्चर्स दिखाएं हम सबको आपकी बर्थडे की जो अभी रिसेंटली गुजरी है मई में? हाँ जी तो मैं दिखा रही हूँ जी आयशा की पिक्चर्स। ये आयशा की पिक्चर्स पहली 20 मई को ही थी। वाव ये घर पे हमने की थी। ये कोरोना से पहले की है? ये कोरोना से पहले की, ये लास्ट ईयर की, ये 3rd बर्थडे थी। ओ माय गॉड। उस वक्त रमजान थे मेरे घर वाले, इस वजह से फिर मैंने ये घर पर किया। कितनी अच्छी डेकोरेशन। वाव मेरे वो वाले बाबा कितना ये मजे के लगते ना, अब जैसे लगता है इन चीजों के बगैर बर्थडे अधूरी होती है। अब बहुत अधूरी अधूरी लगने लगी। खड़े-खड़े थक गई। आप बैठ जाओ। अच्छा चलो बैठ, चलो हम भी बैठ जाते हैं। मुझे इधर अगर आप पता है किरण मतलब लाइक हम लोग जो थे हम लोगों के उसमें पैटीज और समोसे और चिप्स रख देती थी अम्मी, तो हम खुश हो जाते थे। तो 4 गुब्बारे रखते। जी जी लेकिन अभी तो देखिए ये मतलब माशाल्लाह प्रॉपर थीम चाहिए बच्चों को। अच्छा आप शुरू से जैसे ये पैदा हुई थी आयशा तब से ही आप हर साल इसकी बर्थडे इस तरह थीमेटिक रखती हो? फर्स्ट वाली बर्थडे तो हमने बड़ी ग्रैंड बर्थडे की थी। अच्छा और उसको इसकी पिक्चर्स हैं? हाँ बिल्कुल है। जरा फर्स्ट बर्थडे की पिक्चर प्लीज दिखाइए जरा, हम पिक्चर्स भी शेयर। मुझे भी दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। अच्छा और नहीं है फर्स्ट बर्थडे की पिक्चर्स है? कह रही है मैंने दी है। हाँ हाँ मैंने दी है। हाँ सही है, सर्च करके जब मुझे बताएगा फिर मैं। हाँ वो वाली बर्थडे तो बहुत मजे की फर्स्ट बर्थडे थी। वो फर्स्ट बर्थडे आयशा की और क्योंकि हम बहुत ज्यादा प्लान कर रहे थे तो प्लान में बहुत सारी चीजें ऐसी थी। अच्छा, ये आप छोटी थी, आपको याद है आपकी बर्थडे में क्या हुआ था? हाँ। जब आप 1 ईयर की थी क्या हुआ था? आपकी 1 साल की थी जब? मैं ना छोटी थी तो मैं अपने पाँव नहीं चला पाई थी तो इसलिए मैं हैंड से चलती थी। अच्छा पाँव नहीं चला पाई थी। अच्छा ये फर्स्ट बर्थडे आयशा के बाल का है? आयशा आयशा हम आयशा की बर्थडे से 10 दिन पहले उम्र से। ओह क्यूट, कितनी प्यारी लग रही है आयशा। अच्छा किरण तुम्हें भी शौक है इसका मतलब इन चीजों का? एल्बम भी है, मेरी एल्बम भी है। ये हमने जब जहाँ पर हमने आयशा की बर्थडे की थी वहाँ पर ये हमने वीडियो वॉल बनवाई थी, एक सेलिब्रिटी वॉल बनवाई थी कि सब लोग वहाँ पर आ रहे थे, उधर पिक्चर्स हो रही थी। फिर ये जो जहाँ पर केक कटिंग सेरेमनी हुई थी ये बिल्कुल अलग था, प्रॉपर बच्चों के लिए हमने गेमिंग जोन, अरे ये सारी चीजें करवाई थी यहाँ। तो कहाँ ये रखी थी बर्थडे के? ये हमने किया था सफायर बैंक्वेट में। अच्छा तो वहाँ पे पूरा गेम्स वगैरह और कितने लोगों को बुलाया था? अच्छा ये जो एरिया है ये सफायर बैंक्वेट है, गालिबन ये मुझे उस वक्त पता चला था कि 500 to 700 की कैपेसिटी का ये बैंक्वेट था, लेकिन हमने 300 हमारे गेस्ट थे और हमने ये पूरा एरिया लिया था। और मैंने देख रही हूँ वीडियो भी ड्रोन कैमरा नजर आया प्रॉपर, हर वीडियो पूरी कंप्लीट वीडियो, मतलब बहुत इतना ज्यादा हम खुश थे कि हमने बहुत ही ज्यादा हर चीज पे मतलब इतना सोच के ये चीज ऐसी होनी चाहिए वो चीज ऐसी होनी चाहिए। बर्थडे तो वैसे ही होती ना, अब माँ बाप अपने लिए करते हैं। हाँ, तुम भी फुल प्रिंसेस टाइप बनी हुई। मुझे तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि आयशा की बर्थडे है या आपकी बर्थडे है। तो मैंने पूरा एक गाउन लिया और मैंने फर्स्ट टाइम अपने घर पे मतलब क्योंकि मेरे और मेरे मियाँ के साथ इस तरह का मामला, वो कहते हैं गर्दन कटवा लो बाल नहीं कटवाना। और मैंने आयशा की बर्थडे के लिए पहली दफा अपने बालों को अम्मी अब्बा और मियाँ से सबसे लड़ाई मोल के पर मैंने लो लाइट्स करवाए बालों में। उसके बाद बाल बड़े बर्बाद भी हुए। खैर नहीं करवाया करें, इसलिए खवातीन को मैं कहती हूँ खास तौर पे बहुत छोटी छोटी जगहों से जो जाके करवाते हैं। बहरहाल वो सब करवाया, फिर प्रॉपर मेरे मेकअप आर्टिस्ट ने हेयर स्टाइल वगैरह बना दिया, एक प्रिंसेस बनी मैं घूम रही हूँ। और एक अजीब ना मुझे अपनी शादी में इतनी खुशी थी ना मुझे जिंदगी के किसी और इवेंट में इतनी ज्यादा खुशी थी, जहाँ जो इस इवेंट की मुझे खुशी थी ना आज तक ये भूलता नहीं है। और तुमने पूरा सेटअप वगैरह पूरा ये पूरा कराया था? थीम क्या थीम है ये? क्या थीम था? ये फेरी टेल्स थीम। फेरी टेल थीम और फुल है बहुत, बहुत ही बड़ा क्यूट, बड़ा प्यारा। इसमें सबसे बड़े मजे की चीज़ ये थी कि आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। हाँ। ये कलर ही किस्म की थी। अच्छा, जो थर्ड बर्थडे की आपने अभी पिक्चर्स देखी थी सबसे पहले, दोबारा से लगाएं थर्ड बर्थडे। आयशा को मेकअप का बहुत ज्यादा क्रेज है। हाँ। तो हमने मेकअप थीम किया था। हाँ, वो नजर आ रही थी आंखें। हाँ। और वो ना जो अभी हमने पिक्चर्स चलाई थी, हम उसकी बात करें तो अगर वो दोबारा ला सकें तो प्रॉपर हमने मेकअप पिंक वाला नहीं था सेटअप, अभी जो हम बात थर्ड बर्थडे वाला जो था, थर्ड बर्थडे जो आयशा भी जिसका जिक्र कर रही थी, है ना। आप ये देखिए ये वाली मेकअप की और कितने साल की थी आयशा? 3 इयर्स की थी, लास्ट ईयर की बर्थडे है ये। अच्छा, 3 साल में देखे जरा शौकीन मेकअप की। और जब ये सारी चीजें आई तो उसके बाद जो इन्होंने इसके साथ इस्तेमाल करना शुरू किया, फोटोग्राफर्स बड़े खुश देखकर क्योंकि खुद ही वो नेल कलर निकाल रही हैं और बैठ के नेल कलर लगा रही है। तो आयशा, कितना मजा आ रहा है आपकी बर्थडे की पिक्चर्स देखने में। तो और देख लें तो भाई। अच्छा, सेकंड बर्थडे क्या की थी? सेकंड बर्थडे भी रमजान में हुई थी। हाँ। तो सेकंड बर्थडे क्योंकि बिल्कुल ही आगाज था तो उसमें हमने कोशिश की थी कि हम घर पे ही कर लें। अच्छा, तो वो मैंने खुद ही उसकी पिक्चर्स मैंने शायद नहीं दी थी। मोबाइल चेंज होते हैं तो आपको पता है डाटा आगे पीछे हो जाता है। हाँ। तो उसमें मैंने ये किया था। और भी बताते ना आप, कौन सी कोई और कस्टमर भी बता दे ना, कोई और क्या बता दे के अंदर। अरे कोई और आपके गेस्ट के लिए कह रही है, उनको भी तो बुला लेना। उनको बुलाएं। अच्छा, ओहो, बोर हो रही हैं अकेली। भाई ये इस वक्त आप ही हैं खाली मेरी आपको गेस्ट। पता है ना कोरोना है आयशा इस वक्त, और क्या इसलिए मैं ज्यादा लोगों को एक साथ नहीं जमा कर सकती, तो इसीलिए मैंने अभी आपको बुलाया हुआ और आपकी ही बर्थडे की बात होंगी। अच्छा, इस हर बर्थडे पे हर बच्चा जब केक कटने वाला होता है तो रोता जरूर है। हाँ। तो आयशा रोती थी लिटरली। हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मुझे ना अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि एक छोटा बच्चा है मेरे पास आयशा क्योंकि इनकी हरकतें माइक देख रही हूं। अच्छा लग रहा है, बैठ जाए। तो इनकी हरकतें, इस तरह की हरकतें होती हैं कि मुझे अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि एक छोटा बच्चा है। मेरे घर वाले मुझे याद दिलाते हैं कि तुम एक बच्चे को टैकल करती हो। हाँ। तुम क्यों आयशा के साथ बड़ों की तरह बात करती हो और हर चीज़ बड़ों की तरह हो रही होती है, क्योंकि मुझे खुद याद नहीं रहता। हाँ। ये छोटी बच्ची हैं, उनकी हरकतें ऐसी हैं। फर्स्ट बर्थडे पे जब इनका केक कटा है, वो इतनी खूबसूरत वीडियो है, जब ड्रोन इनके पास आया सामने तो इन्होंने बाकायदा हाथ से उसको इशारा करके अपने पास बुलाया। अच्छा। और फिर उसके बाद फर्स्ट बर्थडे पे अपने कैंडल, मैं सही कर दी, फर्स्ट बर्थडे पे इन्होंने अपने कैंडल को भी खुद ही बुझाया, केक भी अपने बाबा के हाथ के साथ खुद ही काटा। Oh my God. और मेरे साथ ये दोनों बाप बेटी मिलकर इतना जुल्म करते हैं कि मुझे कभी भी केक काटने की परमिशन नहीं मिलती। मतलब ये और इनके अब्बा की एक बॉन्डिंग है। हाँ। तो ये अलग, मतलब हर बर्थडे पे, चौथी बर्थडे कान बंद किए बस, वो कहती है माँ ये बातें माँ बोलती रहती है। मैं इधर उधर हूँ या मैं मोबाइल पे वीडियो बना रही हूँ, कुछ दोनों अब्बा बेटी ने ली छुरी और केक काटना शुरू हो गया। आपके बगैर? मेरे बगैर। और हमेशा ये होता है फिर मुझे अलग से पिक्चर खिंचवानी पड़ती है दोबारा काटते हुए। तो मैं इतनी एक्साइटेड होती हूँ। और अच्छा आयशा, मुझे बताओ अभी आयशा की अभी चॉइस क्या है कि अगली बर्थडे ममा कौन सी थीम की मनाए? कौन सी थीम, कौन सी चीज अच्छी लगती है आपको? मुझे सबसे ज्यादा नेल मशीन अच्छी लगती है। नेल मशीन, नेल आर्ट। तो अगली बर्थडे नेल आर्ट पे होनी चाहिए। हाँ। है ना, सबकी नेल पॉलिशेस लग रही हूँ बर्थडे पार्टी में, है ना। अभी अंदर भी बोल रही थी बार बार कि नेल मुझे आपने वो लगा नेल कलर नहीं लगाया। हाँ, बड़ी शौकीन है तुम्हारी बेटी मेकअप नेल कलर की है। मैं भी बैठ के मेकअप करवा रही थी तो मुझे घर पे गाड़ी में भी रास्ते में कह रही हैं आपने इतनी देर कर दी, मेरा मेकअप सही नहीं हुआ, मैं जाऊंगी नहीं अभी। तो आपकी टीम के सारे लोग इनको सेटिस्फाई कर रहे थे, हो गया बेहतरीन। अच्छा, प्यारी लग रही है आयशा। पिक्चर्स वगैरह आप आराम से खिंचवा लेती हो? मजा आता है आपको? इधर मुझसे बात, इतने दिनों बाद आई हो ना, लिफ्ट ही नहीं करा रही मुझसे, बात ही नहीं करी निदा खाला से। यार आप तो सारी बातें सोच कर आई थी, आप कर क्यों नहीं? मेरा बैग रखा हुआ है पहले निदा। यार आयशा मुझे बताओ ये कोरोना क्या है? कुछ कह रही क्या ले रही? कुछ खाए, मुझे अपना जूस लेने जाना है। अच्छा एक मिनट इधर आए ना, अभी ब्रेक मिलेंगे। आयशा इधर आए। जी, एक मिनट दो, मैं आती हूँ। अच्छा अच्छा, ओहो भाई पर्स लेके आ जाए, इसको दे दे, पर्स में जूस है, जरा कोई हेल्प करे। आयशा मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, आपका केक भी दिखाना है। देखो देखो कितना प्यारा, आओ देखें, आओ चलो। आज आपकी तो 20 मई को थी बर्थडे, तो हम केक आज कट भी कर लेते हैं। हाँ, है ना। आ जाओ भाई किरण, आओ केक की तरफ चलते हैं। यहाँ कितनी मजे मजे की चीजें आयशा, देखो गुडी बैग्स कितने प्यारे बने हुए हैं, है ना। और डक है कितनी क्यूट आयशा, ये देखिए आपने, ये मुझे इतनी क्यूट लग रही है ये। आयशा व्हाट इज दिस? ये तो केक में से बहुत अच्छी खुशबू, लेकिन खुशबू आ रही है भाई। कोई वो नहीं है कोई ऊंची चीज के हम आयशा को ऊंची चीज पे खड़ा कर देना, मतलब वो बेचारी छुप गई, अपनी शक्ल दिखाती रहो कि मैं हूँ। हाँ अच्छा आयशा, आपको गिफ्ट क्या चाहिए ये तो बताया भी नहीं है आपने कि क्या? मैं जो भी अपना इशारा करूंगी वो चाहिए। इशारा नहीं, नहीं मुझे ज़बान से बताओ कि आपकी क्या, आपका ड्रीम क्या है? ड्रीम कि क्या गिफ्ट चाहिए आपको? ड्रीम होता है ना हर किसके, जैसे बलाज की बर्थडे आने वाली है 2 दिन में। ओह हाँ मुझे तो जेलीज पसंद है। हाँ गोद में उठा लें, जेलीज पसंद है। हाँ एक मिनट लाओ, आ गया कोई लंबी चीज ले। ये इस पे खड़ी हो जाओगी ना आप, तो आप प्यारी लगोगी, अच्छी लगोगी। ठीक है चलिए आओ हाथ पकड़ के ये बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ठीक है ठीक है, सही है। आगे करते हैं, थोड़ा आगे कर देते हैं। चलो हम करते हैं मिलके। नहीं आगे तो करेंगे फिर, ये भी जरा इधर आओ, ये इसको आगे करो, हम इसको पकड़ते हैं। सही है, रेडी हैं आप? हाँ वाओ कितनी ब्यूटीफुल है आयशा। ये भाई ये जो केक जिन्होंने डेकोर किया है ये केक बाइट से है। केक में मच्छर मच्छर नहीं काट रहे। क्या नाम है इनका? उजाला। उजाला है। उजाला आप आए ना इधर, उजाला के साथ इनकी बहन भी है। हाँ इधर आओ, देखो ये सब जो डेकोर किया है ना वो उजाला ने किया है, पता है। केक बाइट से आपकी कंपनी का नाम उजाला, उजाला मुकीम और सबा मुकीम, आप दोनों बहनें हो। तो आप दोनों ने कैसे कहाँ से सीखा ये सब कुछ, ये केक वगैरह डेकोर? माइक ले लो माइक। यूट्यूब से और डेक्स्टर इंस्टीट्यूट से। हाँ यूट्यूब से, यार क्या कितनी टैलेंटेड हो आप लोग। तो ये केक वेक सब आपने खुद बनाया है? सब ये सारी चीज़ें पूरी डेकोर, ये जबरदस्त मतलब केक का डेकोर। आप आयशा आपने मुझे बताया नहीं कि आपको क्या चाहिए गिफ्ट में? मुझे तो कोकोमो पसंद है। कोकोमो चाहिए? वो तो खाने की चीज़ है ना, कुछ गिफ्ट बताओ कि आपको, आपका ड्रीम क्या है कि मेरा ये ड्रीम है। आपका साथ होना। नहीं मैं क्यों बता दूँ, मेरा गिफ्ट थोड़ी डॉल्स चाहिए जैसे बालाज है ना। डॉल्स अब बस इतनी सारी तो डॉल्स हैं, मुझे थोड़ी और। चलो भाई बालाज ने मुझे बोला है जैसे ही वो ये कोविड-19 का सीन खत्म होगा तो मुझे सुपर स्टेशन चाहिए। वो को ट्रेन्स का होता है, पता नहीं सुपर स्टेशन पता नहीं कैसे मंगाऊं। आयशा ने कश्मीर जाना है। ओह स्नोफॉल देख रहे हैं, बार बार बोलती रहती है कि जब ये खत्म हो तो आप मुझे कश्मीर लेके चले, हम स्नोफॉल दिखाने के लिए लेके चले। और हालांकि जब से आई हैं दुनिया में तब से हम इनको जब लेके गए तब हमें स्नोफॉल अल्हम्दुलिल्लाह मिला है, लेकिन शायद इनको याद नहीं है। किससे? बूट से। अच्छा अच्छा ये क्या है, ये क्या चीज है, इसके बारे में बताएंगे? ये पॉप्स हैं। केक पॉप्स। ये हमने सिर्फ इसके डक की डेकोरेशन के लिए, अच्छा डेकोरेशन के लिए डक वगैरह बनाई हैं क्योंकि हमारी थीम डक थी। हाँ और कुकीज भी है वहाँ, प्लीज कुकीज भी दिखाएं, साथ डोनट्स भी हैं, जेली के ऊपर मार्शमेलोस भी है ना जी। ये जेली है, जेली के ऊपर जस्ट डेकोरेशन है वो क्रीम, विप क्रीम की। अच्छा विप क्रीम की, वाह बड़ी अच्छी की हुई है। तो आप तो बहुत छोटी छोटी है, वैसे आप प्रोफेशनली करती हैं जी। हम ये सारा बड़ी, इन लोगों का हम बैंड भी चला रहे हैं केक बाइट्स के नाम से है, और जो जिन्होंने पूरा डेकोर किया ना उनको भी मैं बुला लेती हूँ। आसमा असद लाइट एंड स्पार्कल्स इवेंट प्लानर है। अस्सलाम वालेकुम अस्मा, वेरी क्रिएटिव, इधर आ जाए। बहुत अच्छा आपने पूरा डेकोर किया है, अस्मा ने डेकोर किया है पूरा, और इन्होंने केक वगैरह ये सारी चीज़। तो अस्मा आप कितने अरसे से करती हैं? मैंने माइक है इनके पास, माइक सॉरी। हाँ मैंने कुछ अर्सा पहले ही शुरू किया है, लगभग दिसंबर में। हाँ। कुछ मंथ से हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काम आप मेरा देख रहे हैं। आपने कहीं से सीखा हुआ या आपको अपना शौक था? या नहीं अपना शौक था, अपने शौक से सब सीखा। हाँ। सब डेकोरेशन का शौक था शुरू से, तो सोचा फिर व्हाई नॉट एज बीइंग प्रोफेशनल, फिर मैंने शुरू किया। वेरी नाइस, बहुत अच्छा अच्छा थीम है ये। आप कौन सी सजेस्ट करेंगी, ये ज़्यादातर किस उम्र के बच्चों के लिए अच्छा रहेगा? छोटे बच्चों के लिए लाइक पहली बर्थडे करनी है, पहली बर्थडे भी 3-4 तक ये थी, मतलब कि बच्चे जब अभी परफेक्ट एज है यानी कि इस वक्त बिल्कुल, क्योंकि बच्चे जब नहाने जाते हैं उनको ये चीज तो साथ चाहिए, लाजमी लाजमी। और कभी कभी जब मुझे वो होता है ना कि आयशा बस जल्दी से निकालो वॉशरूम में, तो आयशा हमारी फ्रेम्स में भी मेंशन है ना होता है। आपकी फ्रेम्स में क्या मेंशन है? वाटर नजर आ रहा है क्योंकि मोस्टली जो होते हैं ना बच्चे इसके साथ फन करते हैं बाथटब में स्पेशली। तो ये आप सबसे पहला टॉय एक्चुअली बच्चों का ये डकलिंग ही होती है, वो जो छोटी छोटी डकलिंग है वो छोटे होते हैं तो उस वक्त दी जाती। चलिए भाई आयशा भी कपड़ों में भी हर जगह जो है ना यही डक्स बना बना के तंग आ जाती हूँ मैं इतने कपड़ों में, हर येलो ड्रेस में डक होती है। आयशा आप 20 मई वाली बर्थडे का केक अभी काट लें, मैं आपको मौका दे रही हूँ, हम दोबारा से अब आपकी मम्मी के साथ काट लें, आप डैडी तो है नहीं। लुक लुक मुझे कह रही है क्या आप मेरे साथ काटो? अब मैं आपके साथ काटूंगी। और थैंक यू। चलें भाई जी, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू आयशा। आप लोगों का उजाला एंड सबा, थैंक यू। उजाला एंड सबा एंड असमा, बहुत खूबसूरत डेकोर, बहुत प्यारा। और मैं इन दी एंड ब्रेक पे जाने से पहले पूछना चाहूँगी कि अगर आपको ऑर्डर, एक मिनट मुझे माइक चाहिए, अगर ऑर्डर प्लेस करना हो केक्स और सारी चीज़ों का जो यहाँ रखी हुई हैं तो आपको कितने दिन पहले बताया जाए? 4 days बिफोर, 4 दिन पहले। और अगर असमा आप से इवेंट प्लान कराना हो तो आपको कितने दिन पहले बताया जाए? 1 week बिफोर, ताकि प्रिपरेशंस करने में, डिजाइन्स करवाने में आसानी हो जाती है तो इस वजह से। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। और चीज़ पता है बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ, पिछले कई सारे दिनों से ये जितने भी अब आयशा के बर्थडे की वजह से सब लोगों से रब्ता रहता है तो फेसबुक पर लोगों के मैसेजेस आ रहे होते हैं, आप भी ये इन लोगों के लिए ना बहुत बड़ा काम कर रही हैं कि इनको फ्री ऑफ कॉस्ट एक प्रमोशन मिल रही है, ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को इनके बारे में पता चल रहा है, सो आपका थैंक यू इसके लिए। नहीं, ये लोग बहुत टैलेंटेड हैं और मैं हमेशा टैलेंटेड लोगों को प्रमोट करती हूँ ताकि वो आगे बढ़ सकें और इतनी छोटी एज में ये लोग ये काम करें तो इनको हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। जो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद एक और खूबसूरत सेटअप होगा और यहाँ एक और सेलिब्रिटी अपने बच्चे के साथ। मैं सब बच्चों को इसलिए जहाँ अभी नहीं जोड़ रही क्योंकि SOPs का ख्याल रखना है, वरना आपको पता है मैं सबको एक साथ बैठा दिया करती थी। तो जी एक छोटे सा ब्रेक, एक नया सेटअप आपका मंतजर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इतना प्यारा और क्यूट शो मुझे आज लग रहा है, मज़ा आ रहा है मुझे और मैं रिग्रेट कर रही हूँ कि मैं बलाज को साथ क्यों नहीं लाई। बस मुझे टेंशन होती है वो आप ज़्यादा बहुत शैतान हो गए हैं तो वो इधर उधर घूम रहे होते हैं, इसलिए ये जो आप थीम देख रहे हैं ये है जी बेबी पैंडा थीम। और बेबी पैंडा थीम भी आप जो इसके कलर्स हैं मुझे लग रहा है वो लड़कियों के ऊपर ज़्यादा सूट करेंगे, तो आप ये थीमेटिक देख रहे हैं कितना खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन है, पिंक, वाइट, ब्लैक, पिंक के मुख्तलिफ शेड्स हैं। ये जो पूरा सेटअप आप देख रहे हैं ये डेकोर किया है जी अनम नाज ने, द क्लासी सेलिब्रेशंस इनका नाम है, इवेंट एज एन इवेंट प्लानर। और बेबी पांडा जो थीम है बेकर्स मतलब मैं कहूँगी जो केक और जो कप केक्स ये सारी चीज़ें ना ये कंप्लीट करते हैं। ये स्किलफुल क्लब है, अनम अब्बासी, इन्होंने ये डेकोर किया है सारा केक्स वगैरह का, बहुत मेहनत से बहुत प्यारा डेकोर केक्स का हुआ है। और इस थीम के ऊपर जो फिट बैठती है जी वो मेरी गपलू है जो मेरे सामने ही देखते देखते बड़ी हुई है और हमेशा मैं इसको गपलू ही कहती रही हूँ इसीलिए मुझे इसका नाम सही से याद ही नहीं होता। आइए वेलकम करते हैं अबील और मेरी प्यारी सी गपलू जो हमेशा नाराज़ हो जाती है, मिना, हमारी मिना। तो दोनों बात गपलू नहीं, निदा अमूमन जो है ना एक वर्ड बोलती है, आप लोगों को अगर याद हो हर शो पर, लड्डू। यस, लड्डू कहते मैं यही कहने वाली थी कि हाँ नाम इतना प्यारा है इसका, लेकिन मैं हमेशा लड्डू लड्डू बोलती क्योंकि वो मेरी लड्डू जैसी थी हमेशा से। आपको याद है मैं ना आप छोटी सी थी आती थी हमारे पास, मैं माइक इससे माइक लगवाए नहीं ना, मैं माइक मैंने कहा माइक में, अच्छा मैं माइक में दे देती, माइक दे दें भाई, कॉर्डलेस माइक दें जरा ताकि मैं ना मुझसे बातें भी कर सके वरना जो है मैं आम यहाँ पर रहे। हाँ। पहले माइक लगा रहे थे बस ने कहा मुझे ईचिंग कर रहा है, मुझे ये हो रहा है। पकड़ के बात चले मीना, अपनी अंगूठियाँ तो दिखाओ। ओ माय गॉड, मीना ने सारी अंगूठियाँ कितनी प्यारी प्यारी दिखा रही, सिखाओ मीना, मीना को शौक है सुबह में उठ के सिलेक्ट की और इतनी सारी पहन ली थी, मैंने कहा बस 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 उतार दो इतनी नहीं पहनो। ये बच्ची वो होती थी जिसको हम जबरदस्ती हेयर बैंड बना रहे होते थे, लेकिन अभी तक भी वैसी ही है, लेकिन जो है पता नहीं रिंग्स क्योंकि सेट काफी बड़ा है इसके पास रिंग्स का, तो वो कभी कभी शौक आ जाता है पहनने। बैठ जाओ मैं ना, और मैं आपसे बातें करना चाहती हूँ ना, बड़े दिन हो गया। तुम भी बैठो, इतने दिन हो गए ना मैं आपसे मिले हुए। कैसी हो? स्कूल याद आ रहा है? बताओ बताओ। ये मुझे याद है पिछले हम लोगों ने ईद वगैरह के प्रोग्राम्स किए, मीना नाराज हो जाती थी, फिर हम लोग मना रहे होते थे मीना को। अच्छा निदा बेचारी शो ऑफ करना है, निदा सोचती कि क्या करो, अच्छा छोड़ो छोड़ो मैं करती हूँ। बेचारी जबरदस्ती ले लेकर जा रही होती थी कि वॉक करनी होती थी। हाँ वॉक करनी होती थी, याद। काश वो क्लिप्स निकलवाए होते, मैं भूल गई। और निदा ने किए वो पूरे, किस तरह से वॉक करवाई है पूरी पूरी, बहुत मजा आता था। मीना अपने आप को देखी जा रही है, बड़े दिनों बाद अपने आप को देख रही है स्क्रीन पे, अच्छी लग रही हैं आप। आपने देखे थीम? वैसे मीना को क्या शौक है बर्थडे की थीम का? क्या शौक है बताओ। अच्छा क्या 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 होना चाहिए केक पे, क्या डिजाइन होने चाहिए? एक एक फेवरेट है वो हर जगह होना चाहिए। एक क्या चीज़ है जो आप कहते हो मामा ये मेरे स्कूल बैग पे भी हो, ये मेरे लंच बॉक्स पे भी यही होना चाहिए, मेरी वाटर बॉटल भी इसी की होनी चाहिए, वो क्या है? कौन सा है मीना, वो कौन सा था बताओ? ऐसे नहीं करो माइक पे, जल्दी बताओ बैग पे क्या होना चाहिए, बाकी चीजों पे उसी का केक होना चाहिए। गई हो तुम अपनी अम्मी पे? नहीं गई। तुम कब बोलती हो? मैं तब बोल समझा के लेकर आई थी, प्लीज जवाब देना। इसकी फेवरेट है वो प्रिंसेस एल्सा है ना, वो फेवरेट है। बस वो तो ऐसी है कोई कि मुझे लगता है कि अगर मैं इसको पिलो या बेडशीट ये भी इन्हीं की दूं तो वो कहेगी लाइफ टाइम यही पे होनी चाहिए। हाँ इतनी फेवरेट है। अभी कोरोना में बोर हो रही है, स्कूल नहीं जा रही, बहुत बहुत। हाँ क्या क्या होता है इसका रूटीन? बस रूटीन में ये होता है अभी मैं बाकी जो है ऑनलाइन क्लासेस वगैरह तो हो रही है, बाकी मैं कोशिश करती हूँ कुछ एक्टिविटी घर में भी रहे, क्योंकि बच्चे घर में फिर बोर होने लगते हैं। सारा टाइम एक ही होता है मामा बोर हो रहे हैं, मामा बोर हो रहे हैं, अब मैं क्या करवाऊं? फिर मैं कहती हूँ कुछ स्पोर्ट्स में भी हो, बच्चा एक्टिव भी होना चाहिए। घर पे रह रहे के तो मुझे लग रहा है हम लोगों का वेट बढ़ेगा तो इनका भी बढ़ जाएगा। और क्या। हाँ तो फिर कुछ ना कुछ मैं एक्टिविटी करवाती रहती हूँ, जैसे फुटबॉल वाली, टेनिस वाली, और बाकी और जो भी कोई स्पोर्ट्स पसंद है, क्रिकेट का, इस तरह से मैं करवाती हूँ। अच्छा मुझे बताओ भी करती हूँ मैं प्ले, बता रही हूँ इनके साथ लग के मुझे लग रहा है लॉकडाउन में और मेहनत करनी पड़ रही है ना, वही तो। अच्छा तुम इसकी इन लोगों की बर्थडे सेलिब्रेट करती होगे जैसे लाइक? अच्छा वैसे मैंने हमेशा जो है ना बर्थडे ऑनेस्टली स्पीकिंग झूठ नहीं है इतनी ज्यादा की नहीं मैंने। मुझे लगता है अब टाइम है कि करना चाहिए, अब समझ है, अब इनसे भी पूछ सकते हैं, इनकी अपनी चॉइस पूछ सकते हैं। तो मैंने कोई इतना खास पिछली बर्थडेज पे कभी कोई इतने पैसे लगाए नहीं है क्योंकि मैंने बहुत पिक्चर्स हैं, कुछ हैं पिक्चर्स दिखाएं जरा बर्थडेज की हैं। ये कौन सी बर्थडे? अच्छा ये शायद एक थर्ड होगी, इसकी फिफ्थ बर्थडे, ये फिफ्थ बर्थडे इसकी लास्ट बर्थडे जो है ये। अच्छा छोटी बेटी भी साथ में है। और ये थोड़ी प्रॉपर सेलिब्रेट हुई थी जिसमें मेरी ये अभी अम्मी की और मेरे घर वालों की ये फोटो सारी। कब होती है इसकी बर्थडे? होती कब है? 19 दिसंबर। जब भी तो सब गरम गरम मैं एक थोड़ा फैशन में पहन लिया मैंने नेट, लेकिन उसमें इतनी सर्दी लग रही थी। क्यूट। अच्छा ये इसका ये एक एल्सा बनवाई थी हमने इसके केक पे क्योंकि इसको ये भी चाहिए थी प्रिंसेस एल्सा। अच्छा उससे ये थर्ड बर्थडे थी जिसपे ये किटी कैट वाला केक है। अच्छा लेकिन सब स्वेटर्स और जैकेट्स और इसमें होते हैं। दिसंबर में क्या करें अगर ओपन एरिया और फंस जाते हैं कि जी सर्दी है तो कुछ खास वो नहीं हो सकता। तो कुछ पिक्चर्स हैं। इसकी जो फोर्थ बर्थडे थी वो सेलिब्रेट हमने घर में ही की थी ये वाली। अच्छा घर में इसलिए क्योंकि मेरी बेटी होने वाली थी नेक्स्ट मंथ। हाँ तो हालात ऐसे नहीं थे कि मैं कहीं सेटअप करती बाहर तो जाकर। सर्दियों की पैदावार है। हाँ जनवरी में वो और ये दिसंबर में है तो ऐसा ही है सर्दियों की। हाँ तो भाई मीना कुछ तो बताएं स्कूल में याद कौन आ रहा है? टीचर याद आ रही हैं, बताओ स्टूडेंट्स याद आ रहे हैं, कौन याद आ रहा है? बहुत सारे फ्रेंड्स याद आते हैं है ना। हाँ फ्रेंड्स याद आती है क्या ये बोलती है कि हाँ बोलती है कि मामा स्कूल कब से ओपन होंगे? मुझे ये वाली फ्रेंड याद आ रही है। अब तो क्लास भी चेंज हो गई है, बीच में एग्जाम्स हो गए थे, क्लास चेंज हो गई है, अब कौन से मेरे फ्रेंड्स होंगे उसमें क्लास में? तो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के। केक के करीब चले, आपने केक कटिंग करना है, केक कट करना है, ये तो मोस्ट फेवरेट है जिसकी बर्थडे होती है उस पर केक कट करना है। और आज तो इतनी अच्छी थीम लग रही है, पैंडा थी ना थीम, मैंने कहा इतनी अच्छी लग रही है ना लड़कियों के लिए। अच्छा वैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये थीम भी हो सकती है। हाँ आज हमने थीम्स कुछ ऐसे रखे जो हम लोगों को आइडिया दे क्योंकि बहुत पुरानी हो जाती हैं चीजें। और ये देखो कितना अच्छा इन्होंने पूरा सेटअप किया हुआ है। मीना नजर आ रही है ना? मीना तो टॉल है नजर आ रही होंगी। हाँ आ रही है ना। हाँ केक देखो कितना मजे का है, गपलू गपलू। केक नहीं कट करने देंगी जब तक वो कहेंगे मीना की आवाज ही नहीं सुनी है तो केक कैसे कट। हाँ ना आपने मुझसे बात की ना कुछ मीना, तो हम कैसे फिर केक काट लें आपके साथ। कल मुझसे क्वेश्चन भी था हम किसके शॉप पे जा रहे हैं, निदा खाला के शॉप पे जा। मैंने कहा वहीं पर जा रहे होते हैं निदा खाला के शॉप पर। तो मीना आपने मुझे सलाम दुआ भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया आपने। कल इतनी जल्दी था कि बस मैं जल्दी से सोच रहा हूँ मुझे मॉर्निंग में उठना है वैसे क्योंकि मुझे शो पे जाना है और टाइम से खुद ही उठ गई। मैंने आदत डाल दी है मुझसे मिलने की और अब इतने दिनों से यहाँ आ नहीं रहे थे तो मैंने बड़े ना SOPs को मद्देनजर रखते हुए इनको बुलाया कि दूर दूर रहे। हाँ। एक एक बच्चा एक एक सेगमेंट में आए तो ये सब ख्याल रखा। अच्छा वैसे ARY में मैंने देखा बहुत SOPs का ख्याल रखा जा रहा है। सारे कैमरा में बेचारे किट में कोई दूर दूर है, स्प्रेज हो रहे हैं, सैनिटाइजर, बस जरूरी है। जिंदगी इसी के साथ। अच्छा मैं चाहूँगी कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं जैसे कि अनम नाज है द क्लासी सेलिब्रेशन से जो इवेंट प्लानर है वो भी आ जाएँ और साथ जो बेकर्स हैं अनम अब्बास बेकर। मजे की बात है दोनों अनम है। अनम अब्बास जो है वो बेकर है, अब्बासी अच्छा आ जाए और अनम नाज इवेंट प्लानर आ जाए। दोनों आ जाए। और स्किलफुल क्लब जो है वो आप बेकर्स जो है उनका नाम है और द क्लासी सेलिब्रेशन इवेंट प्लानर। कैसी हैं आप? माइक थोड़ा करीब करना होगा। बिल्कुल ठीक आप सेम हेयर। बहुत प्यारा आप लोगों ने थीम बड़ा अच्छा आप लोगों ने अरेंज किया हुआ है। तो आप कितने अरसे से कर रही हैं? अच्छा अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। तो ये जब अच्छा माइक दूसरा दे दें, ले लेंगे वाला। हाँ आपका आपकी आवाज़ है। अच्छा मैं आपसे पूछ रही थी कि ये वाली जो थीम है पैंडा थीम, ये कौन सी एज के बच्चों के लिए ज़्यादा सूटेबल है? 1 to 2 years। अच्छा जब लड़कियों के लिए ज़्यादा सही रहेगा? It can be done for 4 to 5 years also। अच्छा डिपेंड करता है। अंडर 5 years। हाँ अंडर 5 years जो है ये अच्छा रहता है, ज़रा तस्वीरें वगैरह अच्छी आ जाती हैं कलर कॉम्बिनेशन में। तो आपको कितने अर्से पहले बताना पड़ेगा कि अनम हमने अप्रॉक्स 1 week बैक। अभी क्या कर रहे हैं लोग SOPs को मद्देनजर रखते हुए कर रहे हैं बर्थडे? जी हमने स्टार्ट कर दी वी आर फॉलोइंग SOPs। अच्छा और लोग भी करवा रहे हैं? जी लोग भी करवा रहे हैं। अच्छा मोबाइल यही बच सकता और सब देख करना कॉल कर लूँगी। अच्छा अनम टीवी पर है। अच्छा हाँ आपसे पूछूंगी आपको अगर ऑर्डर प्लेस करना हो केक और ये सारा बेकरी आइटम्स का तो आपको कितने अर्से पहले बोलना पड़ता है? 2 days पहले भी बोल देती हूँ। तो दो दिन पहले भी ये सब आप खुद बनाती हैं? जी मैं खुद बनाती हूँ। और आप कितने अर्से से कर रही हैं? 2 years हुए मुझे। 2 साल हुए आपको। बहुत अच्छा वो है सारा। देखो कुकीज़ दिखाऊँ मैं आपको? एक क्यूट कुकी है ये। कुकी है ना? जी। अल्लाह इतनी मेहनत है इसके ऊपर। ये देखो जरा इसके ऊपर भी पैंडा बनाया है ना, उसके ऊपर भी इतनी डेकोरेट है ना, ऊपर किया है पूरा ना। मेरे तो खाने को ही ना दिल चाहे ना, मैं तो मतलब कोशिश देखती रहे। और हमेशा ऐसा होता है कपकेक्स भी उनके ऊपर भी है ना। हाँ ये देखो ना कितना प्यारा बनाया भाई। ये तो मैं इसलिए खड़ा करके आप लोगों को दिखा रही हूँ ताकि ये लेटे हुए नजर नहीं आ रहे होंगे। देखिए जरा इतना प्यारा, वाह पूरे एक एक चीज़ पे बहुत वो नज़ाकत। और कपकेक से भी देखें अगर आप तो बड़ा मेहनत का पूरा डो बना के आपने ना इसको वो किया बेटे को है ना। तो मीना काटना है केक? केक कट करना है? हाँ केक कट करना है? नहीं करना? आंसर करो यस नो। क्या ख्याल है इसको केक कट जितना बोलने वाली अम्मा उतनी चुप रहने वाले बच्चे। हाँ मैं तो इतना ये पता नहीं ये शुरू से वैसे ऐसी है रिजर्व। हाँ और अम्मा पे गई खड़ूस। मेरा बेटे को तो मैं इसलिए नहीं लाई, वो किसी को बोलने नहीं देती, इतना बोलता है लकी ना भाई लका है। और क्या होना चाहिए था बलाज भी यहाँ पर होता, उसकी भी कोई थीम रखते बलाज के लिए भी। हाँ ये तो है। तो बॉयज वाली कुछ होती पता नहीं कौन सी निकाल के लेकर आता है को ट्रेन्स होती है थॉमस वाली, उसको वही पसंद है। चलो ना केक काटे। चलो अच्छा बच्चों के साथ तो बच्चे बनना पड़ता है। चलो वाओ पैंडा थीम के साथ हमें पकड़ना पड़ेगा। मुझे लग रहा है डिसेंबर ऊपर वाला ना टेडी बेयर वाला केक। अच्छा मुझे तो समझ नहीं आता इतने बड़े केक में कहाँ से वो कोई कह रही है ऊपर वाला है ऊपर कट करना। हाँ इसका सर काटना। सर काट क्या कहें, हैप्पी बिलेटेड, बहुत 6 महीने बाद मना रहे बेटा तेरी बर्थडे, दिसंबर की पैदाइश लग रहा है, मेरी जा रही है। ये देखो गुडी बैग्स के कितने अच्छे अच्छे आइडियाज हैं। ये गुडी बैग, इसमें आप क्या क्या डाल सकते हैं बताओ जरा बच्चों के लिए। गुडी बैग में वाह, हाँ कहने छोटे बच्चे हैं ना, जैसे आपके लिए छोटे बच्चों की बर्थडे तो हम क्या क्या डाल सकते हैं, प्लेडो है ना। और खाने पीने की चीज़ें कौन कौन सी हो सकती है, आइडिया दो जरा। चॉकलेट्स, बिस्किट, हाँ हाँ ये भी है ना, ये भी आइडिया है, ये भी अलग अलग किस्म के पिरामिड्स बना दिए, पिरामिड बना दिया या ये आइडिया है। ठीक है जी, तो देखिए भाई आज का जो रौनक भरा प्रोग्राम है, हर सेगमेंट में आपको अलग थीम नज़र आएगी और प्यारे प्यारे बच्चे नज़र आएंगे क्यूट क्यूट से। तो एक और ब्रेक के बाद हम नए थीम के साथ आपके सामने होंगे, नए बच्चे के साथ और नई बातों के साथ। देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आज का क्यूटेस्ट शो गुड मॉर्निंग। इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जो आप पूरा थीम देख रहे हैं, एस्ट्रोनॉट थीम है, रॉकेट और साइंस, ये सारी चीज़ें बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। मुझे लगता है कि ये थीम थोड़े से बड़े बच्चों के लिए, गोद वाले बच्चे नहीं, जिनको थोड़ी समझ हो, कार्टून्स देख के जिनको पता चल सका हो स्पेस क्या है, प्लैनेट्स क्या हैं। तो आइए मैं बुला रही हूँ बड़े दिनों बाद, इस तरह इसी बहाने मेरी अपनी बहन से भी मुलाकात हो जाएगी और अपने भांजे से भी। वेलकम करती हूँ मैं सवेरा पाशा विद जाविया। कोरोना ये कैसे है जाविया? कहाँ जाविया का माइक उधर रखा, चलो उधर। ओहो जेबों में हाथ भी फुल डल गया, अब तो यहाँ बिठाओगे तो अपने आप को ही देखता रहेगा। जाविया बातें करोगी मुझसे, निदा खाला से बातें कर। मेरा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, कौन हो, माइक में बताओ ना। हाँ निदा खाला, हाँ निदा खाला, अच्छा कैसे हैं आप? आपको बहुत शौक है केक काटने का, ये तो मुझे पता है ना जाविया? है शौक की नहीं है, कितना शौक है? हर मंथ तो आपकी मम्मा केक काटती है यार, है ना? फर्स्ट ईयर हर मंथ, है ना? हाँ। मेरे लास्ट में मम्मा की बर्थडे होती, आपकी मम्मा की अभी कुछ दिनों पहले बर्थडे होती है ना। इसको शौक है बर्थडे सेलिब्रेट करने का बहुत ज्यादा, किसी की भी बर्थडे हो मतलब केक पे हमला इसका ही होता है। अभी अभी कह रही है ब्रेक से पहले ये जावियार को बता रही है, आप पहली दफा आए हो ना निदा खाला के शो पे, तो कह रहे हैं मैं पहले आ चुका हूँ। जावियार आप फर्स्ट टाइम आए हो निदा खाला के शो पे? जी। आप इससे पहले कब आए थे? मैंने इसका बेबी शावर किया था, इसने शायद तस्वीरें दिखा दी, तो इनको पता है कि ये पहले आ चुके हैं। मतलब आजकल के बच्चे को देखे हम। लेट्स गो टू योर बर्थडे, यस वी विल गो देयर, कम हियर कम हियर। अच्छा ये तो बताओ, ये तो बताओ कि आपको गिफ्ट क्या चाहिए? अब आपकी बर्थडे कब होती है भाई जाविया की बर्थडे? एस्ट्रोनॉट टॉय चाहिए और एस्ट्रोनॉट लॉकेट, एस्ट्रोनॉट लॉकेट और रॉकेट। छुपा लिया हमने आपको जाकर। हाँ इधर आओ, आपसे बातें करनी है मुझे जाविया, यहाँ पे बैठो। चलो कोई इनाया तो इतनी बातें करती, जब यहाँ बैठो। चलो बताओ क्या चाहिए गिफ्ट? लॉकेट और रॉकेट चाहिए और एस्ट्रोनॉट, और एस्ट्रोनॉट टॉय। यस यस। कब जाविया की बर्थडे कब होती है बताओ भाई? आपका मेरा एक ही स्टार है ना। जनवरी 27 जनवरी। बर्थडे की पिक्चर देखनी है आपने? देखो भाई जाविया की फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट की, तो फर्स्ट बर्थडे की पिक्चर जो है वो थीम थी, सवेरा तुम बताओ ना। मैं ये तो 6 मंथ बर्थडे भी थी, बट ये फर्स्ट बर्थडे है, रॉयल थीम थी इसकी और ब्लू और गोल्ड था सब कुछ। ये मेरी मदर इन लॉ है, ये हम लोग। हाँ वाओ, केक कटिंग सेरेमनी, इनाया, अरे वाह ये तो देखो आप 1 ईयर के हुए, ये आप 1 ईयर के, अरे कितने मजे की थी। और भी कोई पिक्चर्स हैं सवेरा कि यही दिया और हैं और पता नहीं अभी मुझे नहीं पता उनके पास बनी होगी कि नहीं। 6 मंथ बर्थडे मैंने इसकी की थी पहले। अच्छा। तो वो हाफ केक था, हाफ आधा केक था। अरे वाह, सेसम स्ट्रीट थीम का हाफ। तुमने दी नहीं पिक्चर? मैंने दी है मगर अभी थोड़ी देर पहले दी है। तो ये वाली जो मेरी बहन है ये वो है जो जबरदस्ती करके अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करा रही, याद है तुम्हें? बिल्कुल। और इस दफा क्वारंटीन में सबसे बुरी और सुस्त बर्थडे मनी है मेरी। पूरी दुनिया को बता देती थी मेरी बर्थडे आने वाली, मेरी बर्थडे आने वाली, मेरी बर्थडे आने वाली। ये वो वाली है कि प्लीज फ्लावर्स और जो है ना वो नहीं लाए। हाँ। क्या कहते हैं फ्लावर्स और बुके, बुके और होता है फ्लावर्स और दुआएं ना लाए। फ्लावर्स और दुआएं नहीं चाहिए, प्रॉपर गिफ्ट चाहिए। व्हाट वो वहाँ भी चलेंगे अभी। दैट इज स्पेसशिप, दैट इज अ स्पेसशिप। ये इसको पता होता है जब इसकी बर्थडे है तो पूरी इसको पहले से पता चल जाता है। बिल्कुल। अब तो ये और इनाया मिलके जो है वो थीम्स डिस्कस करते हैं। अच्छा। हम कौन सी थीम करेंगे? अभी इनकी लेटेस्ट क्या है जाविया? अब कौन सी थीम की बर्थडे करनी है आपने? हाँ, क्या डिसाइड हुआ था इनाया से? अब एस्ट्रोनॉट डिसाइड, एस्ट्रोनॉट इन्होंने डिसाइड कर लिया अभी से, अभी से। और इनाया की बर्थडे आने वाली है ना अभी, तो इनाया ने कौन सी बर्थडे तय करनी थी, कौन सी पार्टी? मॉन्स्टर पार्टी, मॉन्स्टर पार्टी, ओह मेरे खुदा, पूल पार्टी करनी है भाई, पूल पार्टी भी करनी है। अच्छा, हमारी वही वाली बात है कि जैसे बलाज की भी बर्थडे जब हमने सेलिब्रेट की, बलाज की ज़्यादातर घर में ही हुई है, घर पे ही मैंने छोटा मोटा सेटअप करके। एक आज बर्थडे बलाज की बाहर हुई है क्योंकि उसकी बर्थडे में छुट्टियां होती हैं। मैं वो भी पैकेज दिखाती हूँ आपको, बलाज का यहाँ जावियार आया हुआ है तो बलाज देखो, जावियार देखो, बलाज की मैं बर्थडे का दिखाती हूँ पैकेज। हाँ भाई दिखाएं ज़रा। बलाज की पहली बर्थडे, दूसरी, तीसरी मैंने की नहीं थी, ये पहली बर्थडे थी हमने घर में ही की थी, है ना, ये घर में ही सेटअप कर लिया था। मिनियन, ये दूसरी बर्थडे थी। इनाया, इनाया साथ है देखो, ये हमारा हाथ, हमने ऐसे घर में मैंने खुद ही वो बना के ना खुद ही सेटअप कर लिया था बलाज की बर्थडे का, गुब्बारे वगैरह। और ये बलाज की कोई चौथी बर्थडे है, लेगो थीम था ये चौथी बर्थडे। और ये बलाज की पिछली साल वाली बर्थडे, ये भी मैंने घर में ही की थी, स्प्लैश पार्टी थीम था। कहाँ गई है? हाँ, स्प्लैश पार्टी था इसका थीम, और हमने बच्चों के स्विमिंग पूल मंगा लिए थे और खूब बच्चों को नहलाया धुलाया। क्या गाड़ी में याद है आपको? गाड़ी में ये बलाज के स्कूल के बच्चे आए थे खाली, ये घर पे ही पैनाफ्लेक्स लगा के, और ये पूरी फुल। अब इस उम्र में बच्चों को पता चल जाता है ना कि क्या करना है बर्थडे का। तो जावियार, सबसे पहले 12 बजे केक कटता है आपकी बर्थडे का? पहले हम कब केक काटते हैं आपकी बर्थडे का? वो जी वो खुद को देख रहा है वो। हाँ, पसंद। अब बच्चों को मुझे इधर बिठाना चाहिए। हाँ, सब क्या देख रहे हो आप? देख रहे हैं, क्या देख रहे हो आप? वो कौन है सामने, कौन कौन दिख रहा है आपको? हाँ, उधर कौन दिख रहा है? आपने नई बात कर रहे हैं क्या? जावियार के बारे में बताओ भाई, कैसा बच्चा है? बस मैं। हाँ, बस तुम बताओ सवेरा जावियार के बारे में। हाँ। जावियार जो है वो बहुत नॉटी है, घूमता है, शरारतें, अजीब अजीब सी शरारतें। हाँ। और ऐसे ऐसे जवाब देता है कभी कभार, जैसे अभी कल परसों की बात है, कह रहा था गर्ल्स जो हैं वो डॉक्टर नहीं बन सकती, तो मैंने कहा बन सकती हैं। हाँ। तो कहते हैं दिखाएं, उसको हर चीज होता है मुझे गूगल करके दिखाएं। हाँ। फिर कहने लगा गर्ल्स पुलिस वाली नहीं बन सकती। हाँ। तो मैंने कहा बन सकती हैं, दिखाएं। कहने का गर्ल्स सब बन सकती, सब कुछ। कहता है पापा नहीं बन सकती। ये बच्चे आजकल की कितनी डिफरेंट बातें करती है। मतलब मैं बिल्कुल लाजवाब हो गई ऑब्वियसली। क्या जवाब है? केक की तरफ चले, उसका पूरा इंटरेस्ट सिर्फ वहाँ है कि मेरी बर्थडे पे चले। माइक लेके चलो ना साथ, आपसे बातें भी करूंगी। फिर आप जब तक बातें नहीं करोगे ना केक नहीं कटेगा। और आपको बर्थडे सॉन्ग भी सुनाना पड़ेगा। आ जाओ, बर्थडे सॉन्ग तो सुनाओ भाई। जाविया आओ, इधर आओ। चलो जी, ऊपर चढ़ जाओ, यहाँ पे ऊपर चढ़ जाओ। चलो 1 2 3 हॉप। ये फूल हटा देते हैं, बहुत ज्यादा रख दिए इधर फूल। हाँ, दिख रहा है अभी? हाँ, फूल रॉकेट, रॉकेट। ओह माय गॉड, दिस इज पॉपसिकल्स, पॉपसिकल्स कहते हैं ना। हाँ, ओके, चॉको पॉप। अच्छा जावियार, बड़े होके क्या बनेगा? जावियार आपने मुझे बताया भी नहीं कभी कि बड़े होके क्या बनेगा। डॉक्टर, तो माइक में बताओ ना, बताओ क्या बनोगे? डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर, लेटेस्ट रिसर्च अलग अलग बदलता रहता है। क्या क्या कहता है और क्या बनना है? डॉक्टर कहता है कभी कभार। क्या एक और, क्या आपने उस दिन कहा था? सलूट सर बनूंगा। ये आर्मी वालों को कहता है सलूट सर क्योंकि हम आर्मी की विसिनिटी में रहते हैं, तो वो सलूट सर बन सलूट सर बनूंगा। अच्छा, और जावियार जो है, बात सुने, आपको क्या हर वक्त खाने का शौक है? फेवरेट चीज? पॉप्सिकल्स, आइसक्रीम। आइसक्रीम, ओह व्हाट क्रीम खाने का शौक है। अच्छा, ज्यादा प्यार जावियार मम्मा से करता है, डैडी से, किससे करता है? पापा। ये पहला बच्चा सामने बोल दिया। आप मम्मा से ज्यादा प्यार करते हैं पापा से? हाँ? अरे भैया, पहला बच्चा देखा है, वरना वो होता है जो सामने बोलते नहीं। नहीं भाई, ये अपने अब्बा के बच्चे हैं। अच्छा, वाह भाई। अच्छा जाविया, बात सुनो, ज्यादा ज्यादा गिफ्ट कौन दिलाता है, पापा के मामा? कौन ज्यादा गिफ्ट लाता है आपके लिए? मम्मा। मम्मा? मम्मा लाती है। डी अम्मा लाती है सबसे ज्यादा तो। हाँ? डी अम्मा किसको कहते हैं? दादी को। दादी को, हाँ। अच्छा बात सुनो जाविया, सादा अच्छा खाना कौन पकाता है घर में? आपी। आपी, आपी। सबका नाम ले रहे, सबका नाम। केक काटे हम? केक काटे? पहले आपको बर्थडे सॉन्ग गाना पड़ेगा। पहले जो मैं उनको बुला लूँ जिन्होंने ये सेटअप किया है, अनम नाज, जो क्लासी सेलिब्रेशन जिनका पिछला सेटअप था उन्होंने ये, और स्वीट पैशन केक्स की तरफ से मिसेस राणा है जिन्होंने ये पूरा केक वगैरह और कुकीज़ ये सब बनाए थे, क्यूट क्यूट। आ जाती है अनम एंड मिसेस राणा, कितने क्यूट। ओ माय गॉड, देखिए जरा, अल्लाह, रॉकेट देखो। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक, बिल्कुल। तो ये सेटअप भी आपने किया हुआ है? मेरी पूरी टीम ने मिलके। हाँ, माइक लगा हुआ है ना आपका? जी जी। हाँ। अच्छा, खाना है, कुकी खाना है आपने? आपने बड़े क्यूट वो बनाए हुए हैं, ये जो है इतनी खूबसूरत थीम है। ये कौन से बच्चों को रेकमेंड करेंगी? आपके कितने साल के बच्चों की हम ये बर्थडेज रख सकते हैं अनम? हाँ, 1 to 5 years। 1 to 5 आपको लगता है कि ये उसमें। और आप क्या सजेस्ट करेंगी कि क्या क्या चीज़ें इसकी बन सकती हैं, जैसे केक है, रॉकेट का, कुकीज़ है, और ये क्या, इसको क्या कहते हैं? ये मेराइन टावर है, ये मेराइन कुकीज टावर है। ये भी कुकीज है, ये बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं और बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। ये वो वही वाले जो एक बेकरी पे वो जो शुगर वाले मिलते हैं, ये वही है, और वाइट से नहीं शुगर वाले बेकरी। ये आप उसको पूरा क्रिएट करके हम उसको पूरा एक टावर की फॉर्म में अरेंज करते हैं, और ये उसको पूरा क्रिएट करके इसका चूँकि थीम के अकॉर्डिंग काम करना था तो ये पूरा अरेंज किया है उसको। और वो डोनट्स भी जो है उसके ऊपर भी कोई थीम? जी जी, बिल्कुल इसी थीम के अकॉर्डिंग डोनट स्पेस और ये वो, इसमें बहुत सी चीजें और ऐड इन कर सकते हैं, जैसे गिफ्ट्स जो है, गिफ्ट सॉरी गेम्स जो है वो आप प्लान कर सकते हैं इस तरह प्लैनेट्स के हिसाब से, कोई पजल, क्या क्या गेम्स इसमें प्लान कर सकते हैं अनम? आइडिया मशवरा दें। अकॉर्डिंग टू एज हम कर सकते हैं, टू कलर द रॉकेट्स, टू कलर द प्लैनेट्स, we can divide it into different parts and ask the kid to merge it and combine। अच्छा, ये cupcakes पे भी थीम बिल्कुल इसी के रिसेम्बल। cupcakes दिखाएगा please। हाँ, अच्छा, वो क्या बनाया हुआ आपने? एक रॉकेट पे भी रॉकेट ही इसी से cupcakes। मून है, वो मून का। अच्छा, हाँ, मजेदार क्रिएटिविटी है इसमें। और भी चीजें ऐड इन कर सकते हैं ऑब्वियसली एस्ट्रोनॉट थीम में, है ना? और क्या क्या हो सकता है इसमें ऐड? इसमें डिफरेंट चीजें ऐड हो सकती हैं, जैसे इसमें कुकीज और डिफरेंट हम ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके के कुकीज ऐड हो सकते हैं, चॉकलेट्स ऐड हो सकती हैं, डिफरेंट क्राफ्टिंग हो सकती है उनकी। फिर उसके अलावा शॉर्ट्स जो है, जेलो शॉर्ट्स वगैरह ऐड हो सकते हैं। और एक्टिविटीज क्या क्या हो सकती हैं? जैसे एक्टिविटीज आपने बताया कि कलरिंग हो गई है, वो थोड़े से और बड़े बच्चे हो गए, जैसे अगर 5-6 साल के हैं तो कोई इस तरह जो प्लैनेट्स की चीजें, जो यूजफुल चीजें हम सिखा सकते हैं बच्चों को, ऐसा कुछ हो सकता है कि सोलर सिस्टम हो, उसमें अलग अलग प्लैनेट्स उठा के फिक्स किए जाएं, तो उसमें फिक्स करने के लिए हम उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, एम्प्टी सोलर सिस्टम प्रोवाइड करके ये कर सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको एक बताया था कि रॉकेट्स है, उससे रिलेटेड और चीज़ें, स्पेसशिप वगैरह, उसके पार्ट्स को डिफरेंट में डिवाइड करके हम उनसे कह सकते हैं पूरा मर्ज करके कंप्लीट बना दें। ओके, केक काटेंगे भाई जावियर। और क्योंकि एस्ट्रोनॉट वगैरह, तो मुझे लगता है वो जैसे टनल नहीं बनता बच्चों का, वो उसकी रेस हो सकती है टनल के थ्रू, क्योंकि वो एस्ट्रोनॉट वाली वो फील है। फिर उसका पिन्याटा बिल्कुल ऐसा बन सकता है, एस्ट्रोनॉट वो उसमें रॉकेट उल्टा ऐसे टंगा हुआ वो। कोई गुडी बैग नहीं बना हुआ आपका अभी इनका वो सामने रखा है, ये ना ये गुडी बैग। वाओ कितने अच्छे क्यूट लग रहे हैं, लुक एट दिस, हाथ से बनाए हुए हैं। जी जी ये देखिए, वाओ एस्ट्रोनॉट है इसके अंदर। उठाना आगे वाला, ये एक ही है, एक ही है, ये प्रेजेंट नहीं है, ये गुडी बैग है। ये खुलेगा कैसे? और ये बहुत अच्छा आइडिया है कि इस पे तस्वीर लगा के दे सकते हैं जो गेस्ट आए ना, तो पिक्चर फ्रेम बना के दे सकते हैं। इसके आगे वाला जो है वो गुडी बैग है। कौन सा वाला? ये जी जी। और ये है, ये फ्रंट वाला जो है अच्छा एक वो तो डिवाइड हो जाता है। ये क्या है? सेंटर पीस है, थीमेटिक टाइप, थीमेटिक सेंटर पीस है, मतलब जैसे ऐसे ही रखा हुआ है सजावट जी। और ये इसमें आप बच्चों की पिक्चर जो आए लगा सकते हैं, वहीं पे पिक्चर देन एंड देयर लगा के गिफ्ट कर सकते हैं जाते वक्त। बड़ा अच्छा आइडिया है। इसमें बच्चों को एक चॉकलेट रैप करके थीम के अकॉर्डिंग बिल्कुल लोगो भी साथ स्टिक के साथ ये लगा की बात करें जी इसमें, और उसपे भी अच्छा स्टिक के साथ अच्छी सी रैपिंग में चॉकलेट्स भी, आप कुकीज भी, ये कुकीज हम अच्छे से रैप करते हैं प्लास्टिक रैपिंग में, वो भी हम इस तरह गुडी बैग्स में देते हैं, बना सकते हैं। चलो जी केक काटेंगे हम। चलो जब तक हैप्पी बर्थडे सॉन्ग नहीं गाओगे केक नहीं गा सकते। चलो जोर से, आवाज ही नहीं आ रही, जोर से चलो बोलो, आवाज ही नहीं आ रही, नहीं इससे दूर रहना है। चलो अब बोलो, हैप्पी बर्थडे टू यू, Happy birthday to you, happy birthday dear Zaviar, happy birthday to you, may you have many kato cake, many more. Chalo bhai ye bachcho ko aur kuch nahi chahiye। देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, क्यूटनेस से भरपूर। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एक क्यूट और कलरफुल शो के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। और ये जो थीम आप देख रहे हैं बर्थडे का, ये ट्रोल है आई गेस, क्योंकि लड़कियों का थीम है। तो मेरा तो बेटा है, अब छोटा इतना, सिला साहिबा तो अब इस एज से निकल चुकी हैं, और ये बहुत कलरफुल बहुत प्यारी इसमें पिक्चर्स आएंगी। ये भी बहुत अच्छा आइडिया है एक थीम के लिए। और इस वक्त मैं जिस सेलिब्रिटी गेस्ट को बुला रही हूँ जनाब, वो अपनी बेटी के साथ आ रही हैं। उनकी बेटी छोटी सी होती थी और अब हर साल जब मैं उनको देख रही होती तो वो बढ़ रही हैं थोड़ी थोड़ी। आइए वेलकम करते हैं उफेरा को उनकी सिमरा के साथ। हम लोग ऐसे कर लेंगे, अच्छा ऐसे 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 एल्बो शेक, एल्बो शेक, एल्बो। कैसी हैं भाई? अच्छा पहले अपनी फ्रॉक दिखा दे। हाँ अपनी फ्रॉक पीछे आगे से सब जगह दिखा दे कि ढीली अम्मा ने पिन लगाई है। सब बाहर फोड़ दो। हाँ ओके, तो उफेरा ये पूरा जो ग्रुप है तुम लोगों का जिसका नाम है कराची वुमेन क्लब बाय उफेरा, बिल्कुल। और ये जो सारी थीम्स हम दिखा रहे हैं ये तुम्हारे पास ही अंडर वन रूफ बहुत सारे इवेंट प्लानर्स हैं। अच्छा निदा, इसमें जो थीमेटिक है ना वो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो फैशन, फूड, इवेंट्स एंड ब्यूटी है। अच्छा सही है। तो इससे रिलेटेड जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो जो स्मॉल बिजनेस, स्मॉल स्टैंडर्ड, लो लाइक ये समझ लें स्मॉल स्केल से स्टार्ट करते हैं, तो उनके लिए ये है। और सबसे अच्छी चीज जो है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ हाँ टोटली क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। बहुत सारे ग्रुप्स मैंने देखे हैं उसमें रजिस्ट्रेशन फीस होती है, उसमें मेंबर से गिफ्ट हैम्पर्स और इस तरह की चीजें चार्ज की जा रही होती हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि निदा ये जो स्मॉल स्केल से स्टार्ट करी औरतें उसमें बहुत सारी अपनी ज़रूरत के तहत स्टार्ट करती हैं, तो दे डोंट हैव मच इनफ बजट के वो इतना अफोर्ड करें सारी चीज़ें करें, वो एक लिमिटेड रिसोर्सेज में कर रही होती हैं। अच्छा तो मैं लीड कर रही होती हूँ, अक्सर मेरे पास टाइम नहीं होता, लेकिन बहुत सारे मेंबर्स हैं सब मिलकर। तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोगों को रोजगार फराहम होता है। बिल्कुल, मतलब मैं बिजनेस काउंसलिंग करती हूँ क्योंकि मैं खुद भी बहुत सारी चीज़ें कर रही होती हूँ, तो अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह गाइड कर देती हूँ। उसके अलावा मेरे पास जो भी ऑप्शंस आते हैं वो मैं सबसे शेयर करती हूँ। अच्छा तो जो उसको अवेल कर सके सिंपल कि तो भाई तुम्हारे पास ऑप्शन आता होगा कि ये बजट है, इस बजट में रहकर जो कर सकता है वो। हाँ, मतलब उसके बाद फूड से रिलेटेड हो गया है, जैसे किसी के पास पैनल फ्लेक्सेस वगैरह पहले से तैयार है, उनकी बर्थडे आए कि भैया मुझे कम, तो जाहिर है उसको डबल खर्चा नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली, पता है निदर क्या होता है, ये जो ग्रुप है ना, ग्रुप में सब लोग हैं एक साथ। मेरा जो टैग लाइन है ना, लेट्स ग्रो टुगेदर। अच्छा, सही है। अब अकेले अगर मैं सपोज कुछ कर रही हूँ या कोई भी कुछ कर रहा है तो उसके पास इतना बजट नहीं है, वहीं ग्रुप से दूसरी मेंबर से उसने पूछ लिया, उसने उसकी हेल्प आउट कर दी, कहीं दो इवेंट्स मिलके कर लिए, या इसी तरीके से किसी ने मिलके सैलून पे काम कर लिया, किसी के पास मेहंदी की अपॉर्चुनिटी आ रही है वो कर ली। तो ये सब हमारे ग्रुप में क्या क्या चीजें होती है, जैसे इवेंट्स होते हैं और क्या क्या होते हैं? ब्यूटी, फैशन एंड फूड। अच्छा, तो इन चीजों से रिलेटेड लड़कियां घर में बहुत अच्छे कपड़े डिजाइन कर रही होती हैं, बच्चों के कपड़े सी रही होती हैं, तो इसमें बहुत सारे मतलब जैसे फ्रॉक्स वगैरह भी हैं बर्थडे थीम की, ये भी यहाँ अवेलेबल, बिल्कुल सब कुछ अवेलेबल है। इस ग्रुप को ज्वाइन करें, इवन कि आपको कुछ चाहिए तो भी आपको यहाँ पे बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगी, और या फिर आपको खुद कुछ स्टार्ट करना है तो वो करें। और इसमें हम लोग एग्जीबिशन भी कर रहे होते हैं मिलके, और मतलब जो चीजें मिलके हो सकती है ना, एक इंडिविजुअल मेरे ख्याल से इतने अच्छे तरीके से ग्रो नहीं हो सकता ना जितना सब हाथ पकड़ के करते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अभी भी आपने देखा कि ये चार थीम जो है वो सबने इंडिविजुअली किए हैं, सही है, और बाकी एक थीम स्पेसशिप जो है वो चार इवेंट प्लानर्स ने मिलके किए, तो ग्रुप वर्क दिखाया पूरा ना उन्होंने। वो आई हमारी अनम थी, लेकिन प्रेजेंट अनम ने किया था, लेकिन सबने मिलके किया, तो वो मिलके भी हो जाता है बहुत अच्छा। और फिर लिंक्स दे देते हैं, कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं सबके। मेरे कॉन्टैक्ट्स को मैंने बाकियों के बारे में बता दिया, बाकियों ने किसी को किसी के बारे में बता दिया, तो इस तरह से लाइक वो घर बैठे खवातीन कुछ काम कर सकती हैं, जो अपने हस्बैंड की हेल्प कर सकती हैं साथ के, भाई एक से भले दो, या जरूरी है निदा। हाँ, आज की महंगाई में जरूरी है, और उससे ज्यादा जरूरी ये है कि अगर आपके पास स्किल्स और टैलेंट मौजूद है तो प्लीज डोंट वेस्ट इट। सही है, घर गृहस्थी, बच्चे पालना, खाना पीना, वो सारी चीजें हैं, लेकिन उसके साथ औरत मल्टी टैलेंटेड होती है। बहुत सारी औरतों के पास टाइम होता है, बजाय वो फोन पे या टीवी पे वेस्ट करने के बजाय वो कुछ अर्न करके अपने बच्चों के लिए स्पेशली जमा कर सकती हैं चीजें, ये वो चीज होती है। और फिर सेविंग हो सकती है, कुछ नहीं है आपको जरूरत, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं हमें जरूरत नहीं है, तो अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप सेविंग कर सकते हैं, आप किसी को हेल्प आउट कर सकते हैं, आप अपने स्किल्स को यूज करें, डोंट वेस्ट योरसेल्फ एक्चुअली। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा फैरा, तुमने अपनी बच्ची की बर्थडे तो खूब मनाई होंगी, जाहिर है कि तुम्हारे तो वो घर वाली बात है ना, ये तो है ना, बहुत ज्यादा शौक है। और इसकी 6 मंथ का भी हम लोगों ने छोटा सा केक काटा था। अच्छा, और फिर फर्स्ट बर्थडे भी की थी, सेकेंड बर्थडे लॉकडाउन से पहले प्लान की थी मार्च के स्टार्ट में, और वो लॉकडाउन स्टार्ट हो गया तो पोस्टपोन। फिर अभी लास्ट 2 वीक्स बैक जो है वो मैंने अपनी से फैमिली के साथ करके वो भी। चलो पिक्चर्स दिखाते हैं ना फैरा की, ये कौन सी वाली बर्थडे? ये इसकी फर्स्ट बर्थडे की है। अच्छा, फर्स्ट की है, पहले ही तस्वीरें सारी खींच ली थी ना इसकी, फर्स्ट बर्थडे की है। केक भी लगा हुआ है मुंह पे, क्यूट लग रहा है, केक लगा हुआ है। और बेटे, ये दोनों बेटे हैं। अच्छा, ये अब 1 साल और बड़े हो गए। और मामा की लिपस्टिक, ओह लिपस्टिक को पप्पे लगे में पूरे, ये पिक्चर आ गई मम्मा ने। ये भी इसकी सेकंड बर्थडे की है। अच्छा, ये सेकंड बर्थडे। हाँ, क्लोज शॉट ली में हमने 3। अरे वाह, अरे वाह, ये फर्स्ट बर्थडे का है इसके ना। अच्छा, ये फर्स्ट बर्थडे की है। ये हमने 6 मंथ का किया था सारा ना। अच्छा, ये 6 महीने की हुई थी। ओह क्यूट, पिक्चर्स कितनी प्यारी हैं। ये 6 महीने का था। ये अभी सेकंड बर्थडे, ये सेकंड बर्थडे की। अपनी इतनी पिक्चर्स गौर से देख रही है ना। एग्जैक्टली, बच्चों को पता है आदत हो जाती है, अब कैमरा के सामने आता है वो खुद अपने आप को। क्या थीम था तुम्हारी फर्स्ट बर्थडे वाले का? फर्स्ट बर्थडे का तो प्रिंसेस। अच्छा, और 6 महीने वाली भी तुमने कोई थीम? ट्विंकल स्टार थी। ट्विंकल स्टार, वाओ। ये भी हम बहुत सारे मेरे ग्रुप की थी, हम सबने मिलके किया था। हाँ, फिर सबके पेज पे प्रमोशन गई, सारी चीजें। बहुत अच्छा काम नजर आता है तो लोगों को समझ में भी आता है कि प्लानर कैसे काम कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो ये देखो ना, देखो सिमरा, मेरी तरफ तो देखो, ऐसे मुँह हो के बैठी ना, ऐसे। सिमरा, केक की तरफ चले, वो भी कितनी कलरफुल जगह है, वहाँ पे चलते। हाँ, आ जाओ फैरा, चल उधर चलते। सिमरा देखो केक, देखो केक। आओ सिमरा, केक दिखाते हैं आपको। सिमरा देखो, ये कितना प्यारा, ओहो वाओ, कलरफुल। एक तो वो, ये कितना अच्छा लगता है कि ग्रीन बैकग्राउंड है, उसके आगे जो चीजें रखी हुई हैं, फोकस होता है कितना। हाँ ना, फोकस होता है, बहुत अच्छी आती हैं, उठकर चीजें आती हैं। लगता है इसको यहाँ खड़ा करना पड़ेगा, छुप गई है। हाँ, एक और हम कर लेते हैं, या तो केक यहाँ रख, नहीं केक भी नहीं रख सकते, कोई बड़ी चीज चाहिए इसको। हम इसको उतारो, मैं इसको खड़ा कर लेती हूँ ताकि ये नजर आए। हाँ, ये वर्टिकल में कर लेते हैं, है ना। हाँ, ताकि अब ये इसके लिए ऊंची हो जाए। अब सही नजर आ रही है या अभी भी चुप है? आ जाएंगी। हाँ, इसको थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं, केक के पीछे, है ना, इधर कर लेते हैं, बस दूर बन जाते हैं हम होस्ट। ओके अच्छा, अब ये जो पूरा इवेंट जिन्होंने प्लान किया हुआ है, फबीहा जिब्रान है, इवेंट सिटी से, प्लीज आ जाए इधर। और लुक एंड कुक है बेकर्स, फरजाना वामिक। फरजाना आपकी तो ज्वेलरी भी है ना? नहीं, मुझे पता नहीं, आप ज्वेलरी जैसी लगती है। फरजाना हमारे पास पहले भी आती रही हैं, अब मेरे ख्याल से मुझे भी कोई केक बना के दिया था इन्होंने किसी इवेंट पर, मुझे याद है। ये बहुत खुश हैं कि बालाज का भी मेरे ख्याल से इनकी ख्वाहिश है कि बना के भेजें। जी बेटा जी, हाँ भी। कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक हैं? बहुत प्यारा सेटअप है, बहुत कलरफुल और बहुत मेहनत हुई भी है, और बहुत खूबसूरत जो केक है वो बनाया हुआ है, और केक के साथ कपकेक्स भी रखे हुए हैं इधर, चोल्स के, बहुत क्यूट। और ये क्या है, ये जो छोटी सी चीज़ है, केक बॉक्स। केक बॉक्स वो मोरैंग्स हैं, माइक को लगाए ना, लगा हुआ है, अच्छा, वो मोरैंग्स हैं, और कपकेक्स भी बहुत क्यूट है। ओह अल्लाह, देखे तो कपकेक्स, हाँ ना, ये मेहनत, अल्लाह। ओके, और ये क्या पॉप, ये लॉलीपॉप्स है, अच्छा, ये भी घर में बनाई हुई है, अरे वाह भाई। अच्छा पता है भाई आपको, ये इवेंट अगर कोई रखना हो घर पर तो आपको कितने दिनों पहले भाई बताया जाए? 1 वीक पहले, 1 वीक पहले, 1 वीक पहले आप तैयारी कर लीजिए। और आपको कितने अरसे पहले भाई बताया जाए कि मेरा भी यही कि अगर आपको बहुत अच्छा कुछ चाहिए, हाँ, बहुत फिनिशिंग वाला और बहुत सारी चीज़ें हो तो कम से कम 1 हफ्ता, वरना ये कि 2 दिन, लेकिन 2 दिन में इतना नहीं हो सकता, हाँ, इतना कि 1 हफ्ते में लग जाते हैं। तो फिर लग जाती हैं आप ये बनाने में केक वगैरह सारे, है ना? और केक के फ्लेवर्स कौन कौन से अवेलेबिलिटी है आपके पास? मेरे पास सारे हैं, ज़्यादातर तो मेरा चॉकलेट पर चलता है, अच्छा, रेड वेलवेट भी है, वनीला भी, हाँ, है, आजकल वो 3 मिल्क चल रहा है, हाँ, आजकल 3 मिल्क बड़ा है। अच्छा मुझे आप एक बात बताएं कि लाइक ये वाली जो थीमेटिक बर्थडे कौन सी एज के बच्चियों के लिए, बेटियों के, लड़कियों के लिए? हाँ, 2 से 5, वो ज़्यादा एनर्जेटिक बच्चे होते हैं ना, हाँ, कलर्स नजर आ रहे हैं तो वो बच्चे थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाते हैं कलर्स को देख के, हाँ। आपको सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स किस बर्थडे थीम के मिलते हैं? ज़्यादा वॉइस में तो बॉस बेबी थीम के मिलते हैं ज़्यादातर, नहीं जैसे थोड़े से बड़े बेटे हों अगर, लड़के हों तो ज़्यादातर क्या अपनी चॉइस पर होता है सबका, अच्छा, सबकी अपनी चॉइस होती है, क्या है। देखिए गुडी बैग्स भी बनाए हुए हैं, और ये लॉलीपॉप से पैक की हुई आइडिया से, ओ आपने बनाई है ये, वेरी नाइस। ये देखिए एक बहुत अच्छा आइडिया है, ये इस तरह लॉलीपॉप्स पैक करके रख सकते हैं, वेरी नाइस। अच्छा निदा, सारे प्लानर सबके मतलब ये होते हैं ना कि लोग सोचते हैं कि प्लानिंग करवाएं अगर किसी से तो बहुत महंगी पड़ेगी, हाँ, तो ये तमाम प्लानर्स क्लाइंट जो बजट बताता है उसी में ही कर रहे होते हैं। अच्छा, हाँ, जैसे भाई मिनिमम अगर मुझे बताएं, मिनिमम से मैक्सिमम अगर हो, मैक्सिमम तो खैर नहीं पूछूंगी मैं, मिनिमम कितने से? मिनिमम मेरे ख्याल से 10 से 15,000 पे स्टार्ट होता है कि टेबल सेटअप वगैरह, अच्छा, कि उसमें सारा सेटअप वगैरह भी सारा, और उसमें भी अच्छा ही लगता है निदा, हाँ, मतलब ये जरूरी नहीं, अगर आप छोटा सा सेटअप डालना है, मेमोरेबल बनाना है पिक्चर्स वगैरह, तो मेरे ख्याल से 10 से 15 में बहुत अच्छा हो सकता है, हाँ। उसके बाद किसी का बहुत एरिया बड़ा होता है, वो चाहता है पूरे लाइक बैंक्वेट में कर रहे हैं या लॉन्स वगैरह में कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि पूरा एक एम्बियंस क्रिएट हो, पूरा लॉन नजर आ रहा हो उस थीम से, तो वो फिर महंगा जाता है। तो इट्स टोटली अप टू बजट। बहुत सारे लोग मैंने देखा अभी बहुत ज्यादा बर्थडे नहीं सेलिब्रेट, छोटे से इवेंट्स कर रहे हैं, पिक्चर कॉर्नर बनाने के ना, केक और ये सब तो ऑर्डर करते। तो मैं आपसे भी यही पूछूंगी मिनिमम क्या है अगर आप किसी को तस्वीरों के लिए, अभी तो जाहिर है आजकल, हाँ, जो हालात चल रहे हैं, तो मिनिमम क्या पैसे होने चाहिए ऑर्डर के? मिनिमम मेरे 2000 होते हैं, अच्छा, मतलब केक तैयार हो जाए, हाँ, छोटा केक बन जाए। अब ये कि जैसे वो तस्वीरों के लिए कॉर्नर चाहिए होता है तो उसमें फिर हम लोग उस बजट में ले आते हैं कि केक को थोड़ा छोटा कर दिया, साथ में 6 कपकेक्स कर दिए, अच्छा, कुकीज कर दिए, हाँ, मतलब वो पिक्चर्स के लिए बड़ा अच्छा सूटेबल रह जाता है। और आप कह रहे हैं 2 दिन पहले भी, क्योंकि मेरी 2 दिन बाद बलाज की बर्थडे है, हाँ, मैं 2 दिन पहले भी ऑर्डर ले सकते हैं, अभी अब देर एंड देर डिसाइड करूँ, अच्छा पिक्चर्स के लिए, क्योंकि अभी बच्चों को तो बना नहीं सकते, हाँ, वो इतनी उस तरह से गैदरिंग नहीं होती सब, हाँ, कुछ, लेकिन वो टाइम निकल जाता है तो फिर होता है यार रह गया। मैंने बलाज से एक कमिटमेंट कर लिया, मैंने कहा मैं आपको टॉय शॉप ले जाऊंगी और आपकी मर्जी के टॉयज जो आपको गिफ्ट में मिलने, वो वाला पूरा बजट आपको टॉयज दिलाने में लग जाएगा, वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो वो लेकिन फिर मुझे ये आज का देखकर ना एक होड़ा कोरी कि एक थीम होती है ना, और एक होता है कि इस बर्थडे में ये थीम की थी, बच्चों के लिए बहुत याद हो। आप बच्चे बड़े हो रहे हैं, जैसे माशाल्लाह बलाज की 6th बर्थडे आ रही है, तो बलाज बड़ा हो रहा है, अब उसको पता है कि ये है वो। हाँ, तो पिछली छोटे था तो हाँ ना ये। अच्छा, हम फर्स्ट बर्थडे बड़े शौक से करते हैं, बहुत एक्साइटमेंट के साथ करते हैं, लेकिन फर्स्ट बर्थडे वो बेसिकली बच्चों पेरेंट्स की एक्साइटमेंट होती है, बच्चों को तो कुछ याद नहीं रहता। एग्जैक्टली। लेकिन जो 3rd ऑनवर्ड्स बर्थडेज होती है ना, वो बच्चे याद रखते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि वो उनकी एक्साइटमेंट, वो कलर्स थी, वो फिर मेरे ख्याल से कुछ इस स्टेज पे भी आ जाते हैं, वो प्लान करने लग जाते हैं कि हमें ये वाली थीम चाहिए, गिफ्ट्स के साथ साथ थीम भी वही डिसाइड करते हैं। आप छोटे से हाथों से ये लो केक काटो। इसकी बर्थडे का मार्च में होती है, इसकी मार्च में होती है, इसकी 11th मार्च होती है। अच्छा, मामा है चलो मामा पकड़ ले भाई, मामा गोद में ले इसको भाई। हाँ होल्ड इट। बच्चों को सबसे बड़ा शौक है केक काटना। मार्च वाली हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये फुटबॉल थीम देख रहे हैं आप लोग, की खूबसूरत लग रही है। एक और आइडिया आपके बच्चों की बर्थडे के लिए, और इस थीम में मैं बुला रही हूँ जी मारिया नकवी को अपने बहुत ही क्यूट से बेटे के साथ, मिकाइल नकवी के साथ। मिकाइल, आप तो बिल्कुल सही इस थीम के हिसाब से आप रफ टफ है ना, और फुटबॉल एंड ग्रीन कलर अच्छी लगी मिकाइल आपको। आपको ये अच्छा लगा फुटबॉल थीम है ना, आपका केक, आपकी बर्थडे ऐसी बना सकते हैं हम। बैठो प्लीज, बैठो। तो भाई आप लोग शौकीन हो बर्थडे मनाने के लिए बच्चों की? बहुत। हाँ बहुत ज्यादा को शौक है, बहुत ज्यादा शौक है इनको, और मिकाइल को भी है। हाँ भाई, ये तो क्योंकि जितनी देर ये पीछे बैठे हुए हैं ना, उतनी देर उनका एक्साइटमेंट लेवल इतना हाई था कि फुटबॉल और इतनी सारी चीजें देख देख के वो कह रहे साइज मम्मा ये मेरा है, मैं केक कट करूंगा, अच्छा मैं यूँ करूंगा, मैं यूँ करूँ, इतने सारे सवाल पूछ डाले उन्होंने कि उनका बस नहीं चल रहा था कि हाँ के वो थोड़ी देर में फुटबॉल। कब होती है मिकाइल आपकी बर्थडे, कब होती है? इनकी 2 अगस्त को होती है, अभी आने वाली है, आने वाली है मेरे मोनू की नेक्स्ट वीक। वाओ, हम तो एडवांस में सेलिब्रेट कर लेंगे है ना, एडवांस में पहला केक निदा खाला के पास काट लेंगे। सही है ना, देख रहे हैं ये तो उनकी। अच्छा तो क्या इसको शौक है कि मेरी ये वाली थीम? कौन सा फेवरेट कार्टून है मिकाइल का? मिकाइल आपका फेवरेट कार्टून कौन सा कार्टून है? मुझे नहीं पता है। आपको पता है लेकिन आप शर्मा रहे हैं, टीवी पे आके सब शर्माते हैं ना। इनको तो कौन सा फेवरेट कार्टून है? इनको कार्स का बहुत शौक है, कार्स का बहुत शौक है इनको, कार्स का। और मुझे लगता है मुझे बच्चे जहाँ बाहर जाएंगे ना, उनको कार्स भी इम्पोर्टेंट लग रही होती है, बॉल चाहिए तो बॉल इम्पोर्टेंट लग रही होती है, सब कुछ इससे पसंद है। मतलब जितना हाँ जितने टॉयज से ये खेलता है, शायद परिहान ने कभी नहीं खेला होता। अच्छा, तुम्हारे पास इसकी बर्थडे की कोई पिक्चर्स वगैरह है? हाँ है बिल्कुल, हम देखते हैं ना मिकाइल की बर्थडे में। मिकाइल है ना, ये क्या पहली बर्थडे? फर्स्ट बर्थडे में इनके निपल पीते थे ये। अरे वाह, यादगार है ये। वाजिद भी आए हुए पीछे, वाजिद की शक्ल आ रही है। और मेरे सारे मीडिया फ्रेंड्स थे इसमें, क्योंकि मेरे सारे दोनों बच्चों की बर्थडे में सारे मेरे दोस्त जरूर आते हैं। हाँ, ये कौन सी वाली बर्थडे? पहली ये फर्स्ट बर्थडे है जिसमें इनके अब्बा का बहुत अरमान था कि बिल्कुल शेरवानी और कुला वाली तैयारी है इनको। अच्छा, ओए होए ओए, मुन्ने से थे और मुझे उम्मीद नहीं थी इतने छोटे बेबीज का। और ये केक शेफ समिया जो है उनकी तरफ से गिफ्ट होता है मेरे लिए। अरे वाह, ये तो फायदा हो गया भाई, ये उसकी तरफ से था केक। ये तो केक टाइमिंग पे नहीं रो रहे थे, मुझे लगता है जब वो चीखते हैं ना सब लोग उसके लिए, हाँ जब हैप्पी बर्थडे तब ये रोने लगे, वरना हर बच्चा केक कटिंग सेरेमनी पे तो रो रहा होता है ना, हर बच्चा। अच्छा, फर्स्ट बर्थडे में हम लोग जितने फोकस्ड होते हैं फर्स्ट बर्थडे को लेके, हाँ ना, फर्स्ट बर्थडे करेंगे, इसकी ये प्लानिंग, ऐसा करेंगे वैसे करेंगे, हाँ बच्चे को तो होश ही नहीं होता, वो शायद होश ही नहीं होती हुई उसकी नजर हो जाता है। मेरा हर बच्चा अपनी पहली बर्थडे पे रोया है, तो जो है इसलिए मैंने बलाज के घर घर में ही कर ली थी बस। सिला फरीद बड़ी धूमधाम से की थी, तो बलाज की मैंने कोई चौथी बर्थडे थोड़ी धूमधाम से की, बाकी सब घर में। और मुझे चौथी पे जितना इसने एंजॉय किया होगा और याद है हमेशा के लिए उसे वो। एग्जैक्टली, तस्वीरें खिंचवाई है शो मार के। ये कितना अच्छा लग रहा है, पीछे मेरे जो एक बैकग्राउंड आया है ग्रीन सा, बहुत रिफ्रेशिंग फीलिंग आ रही है। अब मैं नेक्स्ट सेट पे सोचू फुटबॉल का ही वो अच्छा आ रहा है, फ्रेश फीलिंग आ रही है, घास हर तरफ ग्रीनरी। सुबह आपको ग्रीनरी अच्छी, लेकिन मुझे आइडिया आ रहा है यहाँ से। अच्छा तो भाई गिफ्ट क्या क्या इनको चाहिए होते हैं, फरमाइशी क्या होती है? रिमोट कार। अच्छा इतनी खुशी से अब्बा से भी वो फैसल पूछेंगे, अच्छा बताओ मिकाइल ने आज बहुत अच्छा काम किया, इसे क्या चाहिए? हाँ। अब्बा रिमोट कंट्रोल कार, तो कहते हैं कितनी चमक रोगे तो हर बार से गिफ्ट पे वो कार ही चाहिए। और केक खाने का शौक है आपको बर्थडे पे? हाँ, और बर्थडे पे जाने का भी तो बच्चों को बहुत शौक होता है इस उम्र में। आप बस उनको होता है सुबह हो और आप बर्थडे पे चले जाएं। और जो जिस तरीके की सुबह होती है ना, कांटों भरी रात गुजरती है, मुझे लगता है वो सुबह हो ही नहीं चुकी होती है। इनका बस ना चले वो सोए ना, अगर पता चले कि बर्थडे में जाना है। हाँ। इतनी ज्यादा मुझे लगता है एक्स्ट्रा हाइपर हो जाते हैं बच्चे के लिए। हाँ। तो मुझे वो इंतजार में कि मम्मा कब तक चलेंगे। और मम्मा तैयारी में देर लगा रही होती है तो बच्चों को होता है कि जल्दी चले। और हमारे लिए शायद मुश्किल से 10 मिनट मिलते होंगे तैयारी के लिए, वो भी उनके लिए बहुत तकलीफ होती है, फुल तैयारी। तो मिकाइल बड़े होके क्या बनेंगे आप? अभी नहीं पता। बड़े होके कुछ तो खास सोचा होगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। मुझे तो लगता है जिस हिसाब से टॉयज की तोड़मताड़ी चल रही होती है, इंजीनियर बनेगा ये। हाँ अच्छा, वो बच्चे पहिए निकाल देते हैं गाड़ियों से, फिर पहिए लगाते हैं। वही वाली कि जैसे ही कुछ नया आएगा, एरोप्लेन दिला दें, एरोप्लेन आ गए, उसका आके वो सारे व्हील्स और सारे उसकी चीजें अलग। अब उसके बाद कहा जा रहा है अब इस पजल को जोड़ा जाए। अभी स्कूल याद कर रहा है ये कोरोना के उसको बहुत। हाँ। और सारा बेचारा ऑनलाइन जो होमवर्क मिल रहे हैं अपने दोस्तों के भरोसे ही कर ले रहे हैं कि नहीं, मैंने कहा देखो आरएस करता है, ये करते हैं, वो करते हैं। हाँ। अच्छा मैं भी कर लेता हूँ, मैं भी कर लेता हूँ। इतना मिस कर रहे हैं जिन दोस्तों से वो बहुत प्यार करते थे कि फर्स्ट ईयर ही राइन का ही, तो इनके जिन दोस्तों से बड़ी माइंड मैच हुआ हुआ था। इतने छोटे बच्चे थोड़ा रिजर्व होते हैं ना स्कूल में, तो ये अपने दोस्तों को बहुत मिस करता है। उन इसने कह के वैन लगवाई थी क्योंकि आप फैसल चाह रहे थे हम ड्रॉप कर दें, अभी छोटा है। नहीं मेरे दोस्त जाते हैं, मेरे दोस्त जाते हैं, तो इतना छोटा सा में अच्छा चुन्ना मुन्ना सा बैठा होता था वैन में, तो क्यूट लगता था। तो नन्हे मुन्ने दोस्त बैठे हुए होते थे उसमें, तो ये इसलिए बहुत ही शौक से स्कूल भी गए। शौक से कभी बहन को देखता होगा ना, रोई कभी भी। चले मिकाइल केक की तरफ चले, देखना है आपने केक आपका, देखते हैं भाई क्या क्या रखा है। उधर आओ, उधर चलते हैं। उधर कैप्स हैं, उधर गुडी बैग्स हैं और सारी तैयारी हुई थी। उधर चलो आप भाई। हाँ इट्स अ गेम टाइम। ये कलर्स कितने ब्यूटीफुल है ना, और आप मतलब ये कॉम्बिनेशन बड़ी नीट सी लुक आ रही है। एक बड़ा ना सेटअप की, ग्रीन और वो। आ जाओ आप इस पे, आ जाओ काइल पे, चेयर पे चढ़ो ना। जल्दी साइड पे नजर नहीं आएगा आपको ना, आप छुप गए। ये देखें भाई बहुत प्यारा ये जो अरेंजमेंट है, ये जुबिया आमिर का अरेंजमेंट है इंस्पायर्ड इवेंट्स की तरफ से। और ये जो बेकरी आइटम्स हैं सारे, ये बेकर्स टेल्स की तरफ से हिना बतूर। हिना आ जाए, हिना बतूर, क्योंकि वो आ नहीं सकी है इंस्पायर्ड इवेंट्स से, तो मैं बेकर जो है उनको बुला लेती हूँ। हाँ, और साथ मैं कह रही हूँ कि जो इंस्पायर्ड इवेंट्स वाली है वो नहीं आई, तो मैं ओफेरा को बुला लेती हूँ क्योंकि ओफेरा का पूरा अंडर वन रूफ सारा काम करे ना उनकी कंपनी कराची वुमेन क्लब की तरफ। मैं इसका वो बेसिकली उसकी तबीयत एकदम से ख़राब हो गई, लेकिन पूरा सेटअप उसी ने किया हुआ है। और बहुत लाइक प्लानर को अगर मैं बताऊं तो ये वो है जो एक एक चीज़ अपनी क्लाइंट से पूछ के सारा प्लान करती है, डिज़ाइन करती है। आमिर के बारे में बता रही हूँ कि पूरा कस्टमाइजेशन वो एक एक चीज़ पूछती है, डिटेल्ड वर्क जो होता है। और उसमें आपको कोई भी भी थीम देनी हो, बैकड्रॉप से लेकर फ्लोर से लेके प्रॉप से लेके गिव अवे से लेके जो भी चीज़ें बनानी है वो शी डज वेरी गुड ना, बहुत अच्छा काम करती है। तो मैं अभी आपके बारे में भी पूछना चाहूँगी हिना, मैं देख रही हूँ छोटी छोटी चीज़, केक भी बहुत नीची बनाया है, ये क्या चीज़ है? ये कस्टमाइज्ड चॉकलेट्स हैं, इतनी वाइट चॉकलेट। मैं मेरे ना वहाँ पे नज़र अटकी हुई थी कि ये है क्या, कोई मुझे नई लेटेस्ट चीज़ लग रही है। वाइट चॉकलेट है कस्टमाइज, और देखिए ये भी इस तरह भी बन सकता है, बच्चे शौक उससे खाते हैं, छोटे बाइट से आराम से। और ये देखो कितनी प्यारी चीज़ें हमने बनाई, केक बॉक्स कितने प्यारे हैं, अच्छे ना, बहुत प्यारे सफाई से बने हुए हैं बहुत। और वो क्या चीज़ है? वो मूज़ है ना, वाइट मूज है, वाइट मूज है ये, और साथ जेली है, बच्चे ये जेली मूज ये चीजें बड़ी बच्चों का इसी से ही पेट भर जाता है। पार्टी में वो खाने वाला सीन नहीं होता उनका, उनको खेलना नहीं होता, वो सिर्फ आके एक्साइटमेंट लेवल सिर्फ यहाँ तक होता है जब तक केक कटिंग ना हो, और वो ये होता है कि हाथ में कैरी करके खा ले कुछ बस। अच्छा एक बड़ी मुझे बड़ी परेशानी हमेशा जो होती है, अब आपने ये तस्वीरों के लिए सेटअप करके रखा हुआ है, बच्चे खड़े हुए हाथ मार के खा लेंगे डोनट, एक बिस्किट जाएगा, तो मैं ना खड़ी रहती हूँ, कहती मेरे आए पिक्चर्स हो जाए, पिक्चर्स जैसे ही एंटर होते मैं पिक्चर्स खिंचवा लेती हूँ बच्चों। ये भी ऐसा ही, क्योंकि मुझे लगता है टेंशन हो रही होती है और बच्चे आने स्टार्ट हो, पहला धावा यहाँ इतने बच्चे जमा हो जाएंगे, और बच्चों की पार्टी मोस्टली ऐसी होती है कि सिर्फ बच्चे होते हैं, उनकी मदर्स भी नहीं होती हैं कि कंट्रोल कर सकें, तो बच्चों एक हाथ मारा ढड़प एक चक लिया और रख दिया, ये वाली चीज़ टेबल सेटिंग खराब हो जाती है। और जो है जो खाना शुरू होने वाला होता है वो तो खाते ही नहीं फ्रेंच फ्राइज वगैरह, ये इसी से पेट भर लेते हैं। इसीलिए मेरे ख्याल से ये टेबल सेटअप जो बच्चों की पार्टीज होती है ना वो उन्हीं के फूड आइटम्स होने चाहिए, स्नैक्स हो गए या इस तरह के डेजर्ट्स हो गए कि जो बहुत शौक से खाते हैं। और फेरा जो शुगर खा के हाइपर हो जाते हैं, वो हाइपर एक्टिव हो गए, इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, इतने बहुत सही कह रही है, मतलब कंट्रोल करने के लिए फिर जो बच्चे की जिसकी बर्थडे है उसकी अम्मा वो टीचर बनी हुई नहीं, और हम कहीं पार्टी में जाके वो अपने अंदर वाली माँ जगाना नहीं चाहते ना, लेकिन वो अंदर से आ जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता ना अपने आप को कैरी करे स्टाइल नहीं नहीं, दैट्स सो ट्रू। तो भाई आइडियाज दें कुछ के इस थीम में और क्या क्या, फेरा बताओ कि क्या क्या कर सकते हैं। थीम को देखें एक्सपेंड तो जितना किया जाए उतना हो सकता है, ऐसे मिनिमम सेटअप ये है कि बैकड्रॉप लग गया, ये बैकड्रॉप्स भी डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस हैं इसकी, कि आप सिंगल बैकड्रॉप लगाएं, जैसे डबल बैकड्रॉप लगा हुआ है उसके ऊपर फुटबॉल अलग से है, और अगर आप कुछ और चाह रहे हैं कटआउट चाह रहे हैं तो बच्चों के पिक्चर्स से रिलेटेड जितने भी प्रॉप्स आप बढ़ा सकते हैं बिल्कुल बढ़ सकता है, टेबल का सेटअप बढ़ सकता है, अगर कम चाह रहे हैं तो टेबल सेटअप सिंगल टेबल सेटअप हो सकता है। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आपका बजट कितना है और वो कितने बजट में हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये जो प्लानर्स हैं जितने भी लोग हैं ना जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ने, तो वो काम करना चाहती हैं, सो ये दे नेवर थिंक कि नहीं हम, अगर आप किसी ब्रांड के पास चले जाएं तो कहते नहीं जी हमारा हम तो ये नहीं कर सकते, बहुत महंगी महंगी होती है भाई, तो इसीलिए यहाँ हमने आज का जो थीम रखा था वो यही था कि अब अगर आपने घर में करनी है अपनी इमीडिएट फैमिली के साथ, ज्यादा बड़ा सेटअप नहीं करना, तो आपको कम पैसों में बहुत अच्छा सेटअप मिल जाएगा। ये था आज के प्रोग्राम का आइडिया, और हमारे बच्चे भी खुश हो गए थे, दिनों बाद में इन सब बच्चों से मिल ली, यही मेरे लिए अच्छी बात है। चलो केक काटें और खुदाफिज करेंगे। थैंक यू सो मच ओफेरा, इन सबको जमा करने का आपका बहुत शुक्रिया है ना। और कराची वुमेन क्लब है इस ग्रुप का नाम बाय ओफेरा, और इसमें आप लोग जो नए लोग हैं वो भी शामिल हो सकते हैं, इस ग्रुप में शामिल होकर आप लोग जो चाहते हैं इस तरह के इवेंट्स वगैरह अपने घर के लिए और बहुत सारी चीज़ें, तो वो ग्रुप में शामिल होकर आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों का। और अब हम काटेंगे केक एक हफ्ते पहले